इस दुनिया से विदा लें तो आपके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट हो और पूरी दुनिया आपके जाने का शोक मनाए। हर किसी के बस की बात नहीं होती इसको सच साबित करने की। हम B.R. अंबेडकर की बात कर रहे हैं। इस नाम से तो जन जन वाकिफ होगा, उनके संघर्षों और तकलीफों की कल्पना भी कर पाना बहुत मुश्किल है। हम में से बहुतों ने तो उनके दुखदायी जीवन के बारे में सुना भी नहीं होगा, इसलिए हम उनकी ये जीवनी लेकर आए हैं ताकि आप उनके जीवन से कुछ सीख पाएं और अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर पाएं। आज के कठिन समय और विश्व में फैले आर्थिक संकट, बीमारी, मुश्किल हालात के कारण कहीं ना कहीं हमारा मनोबल टूटता जा रहा है। हमें जरूरत है प्रेरणा, आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि की। ऐसे में अंबेडकर जी की जीवनी एक आशा की किरण और पथ प्रदर्शक है। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें ऐसी बात बताई है कि हम शायद ही कहीं और पढ़ या सीख पाते हैं। कैसे वो अपने समाज को आगे तक लेकर गए और पूरे विश्व से उसका परिचय कराया। उनका जीवन सिर्फ संघर्षों से ही नहीं बल्कि मोटिवेशन और जोश से भी भरा था। अछूत समाज में जन्म लेकर सफलता की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंचना उनकी मेहनत और अथक प्रयास का ही नतीजा था। कहते हैं कि पुराने समय में भारत सोना उगलता था। यहाँ पर सोने का तात्पर्य कोई धातु से नहीं, ऐसे ही महान पुरुषों से है जिनकी वजह से आज भारत अपना लोहा हर जगह मनवा रहा है। दुनिया भर में जिस भारतीय लोकतंत्र की मिसाल दी जाती है वो अंबेडकर जी की ही मेहनत से ही संभव हो पाया है। अपनी पढ़ाई के द्वारा ही उन्होंने भारत के संविधान की रचना की, जिसके बलबूते आज हम अपना जीवन निर्भय होकर जी रहे हैं। आज यदि हम अंबेडकर जी का नाम सुनते हैं तो उनकी छवि एक समाज सुधारक या फिर संविधान निर्माता की ही आती है, या फिर भेदभाव के विरुद्ध प्रखर आवाज उठाने वाले मसीहा के रूप में ही देख पाते हैं। पर बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक माहिर इकोनॉमिस्ट के तौर पर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से संभाला और उसे प्रगति की ओर बढ़ाया। इन्होंने पढ़ाई करते हुए कई डिग्रियां भी हासिल की, जिससे ये पूरे विश्व में नंबर वन स्कॉलर बने। अपने आप को विकास के कार्य में रात दिन लगाकर उन्होंने भारत को एक नई पहचान प्रदान की, जिसके लिए इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कुछ ऐसे किस्से बताएंगे पेशे से जाना जाता था। जैसे अगर किसी को वेदों और ग्रंथों का ज्ञान हो तो उसे ब्राह्मण मान लिया जाता था। दूसरी जाति होती है क्षत्रिय, जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। इस वर्ण में जन्मे लोग सैन्य कुशलता और शासक के रूप में जाने जाते थे। तीसरा वर्ण था वैश्य, जिसमें सब प्रजा या कृषि उत्पादक या व्यापारी होते थे। और शूद्र वो होते थे जो सेवा प्रदाता या नौकर हुआ करते थे। चिरकाल से चली आ रही इस व्यवस्था को न बदले जाने के कारण अब जन्म से वर्णों का विभाजन होता है। वेद ग्रंथों की जानकारी ना होने के बावजूद भी ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता है, और साहसी ना होने के बावजूद क्षत्रिय क्षत्रिय ही कहलाता है, क्योंकि बहुत समय से चली आ रही इस व्यवस्था को किसी ने बदला नहीं। समय के साथ ये व्यवस्था और भी मजबूत होती गई और हर एक वर्ण जाति और उपजाति में विभाजित हो गया, और इस तरह शूद्र भी इस व्यवस्था से अछूते नहीं रहे और उनमें भी मुख्य जाति और उपजाति होती गई, जो बाद में जाकर देश के अलग अलग कोनों में बस गई और अपना जीवन व्यापन करने लगी। अंबेडकर जी ने भी ऐसी ही शूद्रों की एक उपजाति महार में जन्म लिया। अंबेडकर जी के जन्म के दौरान शूद्रों को ना ही सिर्फ अस्पर्श मानते थे बल्कि उसके साथ साथ उनको देखा और सुना भी नहीं जाता था। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक स्वर्ण वर्ण के लोग शूद्रों पर अत्याचार कर उनकी दुर्दशा और निरादर करते थे। स्वर्ण वर्ण के लोगों से मतलब है ऐसे लोग जो बाकी तीनों वर्णों में जन्म लेते थे, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य समाज। ऐसी ही जगहों पर जहां फिर भी शूद्रों पर दया दिखाकर अब अत्याचार नहीं किया जाता था, वहां भी उनको समाज का हिस्सा नहीं माना जाता था। उन्हें वो अधिकार नहीं प्राप्त थे जो स्वर्ण वर्ण में जन्मे लोगों को मिलते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अंबेडकर जी का जन्म महार परिवार में इंदौर के पास स्थित महू में हुआ था। उनका पैतृक गाँव अंबावाड़ी था, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मौजूद है।
जब यूरोपियन भारत आए तो शूद्र परिवारों में से पोर्चुगीजों का पहला सामना कोंकण के महार परिवार से ही हुआ। उनके परिवार को फिर भी थोड़ी इज्जत मिलती थी क्योंकि उनको गांव की देवी की पालकी उठाने का कार्य सौंपा गया था। कबीर जी द्वारा दिखाए और बताए गए रास्तों पर ही अंबेडकर जी का परिवार चलता था। उनके दिए गए मार्गदर्शन के कारण ही अंबेडकर जी ने अपना रास्ता चुना और समाज में बदलाव की लहर लेकर आए, जो एक साधारण मनुष्य का कर पाना बहुत ही कठिन या असंभव था। उनकी फिलॉसफी और कार्यों में कबीर जी का बहुत बड़ा योगदान था। वो कबीर की जीवन शैली से प्रभावित होकर अपने कार्य करते थे और उसमें सफल भी होते थे। मराठा काल के दौरान स्वर्ण जाति जैसे पाटिल, कुलकर्णी, नावी, देसाई और सुतार जैसी जाति वाले लोगों को एक मुख्य कार्य दिया जाता था और बदले में उन्हें लगान मुक्त जमीन दी जाती थी। पर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस व्यवस्था को हटा दिया और गांव के ऑफिसर को उनके कार्य के बदले तनख्वाह देने लगे। महार जाति के लोगों को तब भी उनकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं दिया जाता था, सिर्फ उन्हें प्रशासकीय कार्य से दूर रखा जाता था। उसका असर ये हुआ कि स्वर्ण जाति के अफसर के मर जाने या उनका कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी उनसे जमीन नहीं ली जाती थी। बस उस जमीन से थोड़ा सा लगान लिया जाता था और उनके बच्चों का समाज या गांव के कार्यों में कोई भी योगदान किए बिना ही उनको लाखों रुपए की मदद की जाती थी। और इसी प्रकार से दलित जाति पर अत्याचार होता था और स्वर्ण जाति के लोगों को बढ़ावा मिलता था। और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने महार परिवार की कोई भी जिम्मेदारी का खंडन नहीं किया। वो जो पहले से काम करते थे, मजदूरी करते थे, बाद में भी वही करते रहे। उन्हें किसी तरह की भी जमीन नहीं दी गई, बल्कि वो लोग जहां रहते थे उनकी जमीनों का लगान भी बढ़ा दिया गया। इसी तरह महार या दलित समाज की दुर्दशा होती गई। हजारों की संख्या में महार परिवारों ने बहुत कठिनाइयां उठाई। पूरे देश में दलित समाज को गांव के बाहरी क्षेत्र में रखा गया और उनसे अथक मेहनत और परिश्रम वाले कार्य कराते रहे और बदले में उन्हें मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। एक तरह से उनसे जबरन मजदूरी कराई जाती थी और उनका शोषण किया जाता था। इन सब के बावजूद भी महार परिवार का गांव में बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि गांव का सारा मेहनती काम इन्हीं लोगों से कराया जाता था। उनका साहस, दृढ़ता, बहादुरी, वफादारी, सत्य निष्ठा जैसी अच्छाइयां गांव की आबादी के लिए वरदान थीं। इन लोगों के बिना गांव को सुचारू रूप से चला पाना बहुत मुश्किल था। गांव में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता था तो ये सरपंच की राय लेना पसंद करते थे। यहां तक इनको पंचायत में भी जगह नहीं मिली हुई थी और इनको बराबर में बैठने का अधिकार भी नहीं था। ये लोग अक्सर जमीन पर ही बैठा करते थे। महार परिवार बहुत बड़े योद्धा के रूप में निकल कर आया। कहते हैं प्राचीन काल में ये लोग जंगलों में रहा करते थे और वहां पर आने वाले हर खतरे का बहुत ही साहस से सामना करते थे। शायद इसीलिए इन लोगों ने इतनी पीड़ा और अत्याचार सहे, क्योंकि इनको हर परिस्थिति में जीने का हुनर आता था। छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने मुगलों को हराया था, उन्होंने इनके साहस और सैन्य कुशलता को परखकर अपनी सेना में इनको जगह दी थी। शिदनाक, जो कि एक महार सरदार थे, उन्होंने सवाई माधोराव की सेना में बहुत बड़ा नाम कमाया। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पेशवा के विरुद्ध लड़ने के लिए इन्हीं महार जाति का चुनाव किया। आजादी के बाद भी महार रेजिमेंट के लोगों ने सेना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे इनको सेना में एक अलग ख्याति मिली। हर लड़ाई में महार समाज ने अपने साहस, ताकत, बहादुरी और देशभक्ति का परिचय दिया। जितने भी महार अफसर थे, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी देश को जिताने में। इतना अत्याचार सहने के बावजूद भी वतन परस्ती में लीन रहना किसी साधारण मनुष्य की बात नहीं। अंबेडकर जी के पूर्वजों ने भी सेना में अपना वर्चस्व साबित कर अपने साहस का लोहा मनवाया है। अंबेडकर जी का चरित्र निर्माण इन्हीं पूर्वजों के साहस और बहादुरी की ही देन है। बाबा जी के दादा और पिता दोनों ने ही सेना में होते हुए अपनी वीरता और शौर्य का सिक्का जमाया था। इनके पिता राम जी सकपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे
इनके पिता की पोस्टिंग मो कैंटोनमेंट इंदौर के पास थी, जो कि उस समय सेंट्रल इंडिया और अब मध्य प्रदेश में है। उसी समय अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि अंबेडकर जी के जन्म के बाद रामजी सकपाल के कोई महान रिश्तेदार ने ये भविष्यवाणी की थी कि उनका पुत्र इतिहास रचेगा। डॉक्टर अंबेडकर, जो रामजी सकपाल की 14वीं संतान थे, का नामकरण पांडवों के एक भाई से प्रेरित होकर भीम रखा गया। उनकी माता का नाम भी भीमाबाई था। उनका मायका था मुरहद, जो उस वक्त बॉम्बे के थाने में स्थित था। उनके परिवार का भी ताल्लुक सेना से था। उनके ददिहाल और ननिहाल का संबंध सेना से होने के कारण वे भी साहस, शौर्य, वीरता, बहादुरी, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से भरे हुए थे। पता था, इसलिए उन्होंने सतारा जिले में दूसरी नौकरी करना शुरू कर दिया। अभी सतारा में रहते हुए उन्हें ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि अंबेडकर जी की मां का स्वर्गवास हो गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी रिटायर्ड सूबेदार के सिर पर आ गई। उस समय भीम महज 6 वर्ष की आयु के थे। रामजी और भीमाबाई की 14 संतान में से सिर्फ 3 भाई और 2 बहन ही जीवित रह गए थे। रामजी धर्मपरायण होने के साथ साथ ही बहुत सख्त अनुशासक भी थे। उन्होंने अपनी संतानों को हिंदू ग्रंथों जैसे रामायण और महाभारत की पंक्तियों को अच्छे से याद कराया और इसके साथ साथ कबीर और महाराष्ट्र के साधुओं के भक्ति गीत भी मुंह जबानी याद कराए। जल्द ही भीम अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके हाई स्कूल में अपने बड़े भाई के साथ आ गए। उनके शिक्षा के दौरान उन्होंने बहुत सारी यातनाएं सही और समाज में फैली जाति कुप्रथा से भी वाकिफ हुए, जिसने उनके मासूम से मस्तिष्क पर अमिट और संवेदनशील छाप छोड़ी। उनके जीवन का एक छोटा सा किस्सा है कि गर्मी के एक दिन में भीम और उनके बड़े भाई आनंद सतारा से निकलकर अपने पिता से मिलने जा रहे थे, जो कि उस समय गोरेगांव में कैशियर के तौर पर कार्यरत थे। वे ट्रेन से सफर करके मसूर स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रामजी से मिलना था। उन्होंने घंटों अपने पिता का इंतजार किया, पर वो नहीं आए। शायद उनके पिता तक उनके आने की चिट्ठी नहीं पहुंची थी, तो उन्होंने एक बैलगाड़ी की ताकि वो अपने पिता तक गोरेगांव पहुंच जाएं। बाद में बैलगाड़ी खींचने वाले चालक, जो कि एक स्वर्ण वर्ण का था, उसको पता चला कि उसकी सवारी दलित और अस्पृश्य है, तो उसने दोनों भाइयों को गाड़ी से वहीं पर ही उतार दिया। जब उन्होंने दुगना भाड़ा देने का वादा किया, तब जाकर चालक ने आगे चलने के लिए हाँ कहा, और वो भी इस शर्त पर कि बैलगाड़ी भीम के बड़े भाई चलाएंगे और वो पैदल चलेगा। दोनों भाइयों को शाम से लेकर रात तक पानी की एक बूंद के बिना ही चलते रहना पड़ा, क्योंकि तब तक सबको पता चल गया था कि वे अस्पर्श हैं और कोई भी उनको पानी पिलाने एवं उनकी प्यास बुझाने के लिए तैयार नहीं था। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण यद्यपि उन्हें बहुत अनादर और अपमान झेलना पड़ा, पर उनकी किस्मत अच्छी होने के कारण इसके साथ ही उन्हें कई महान और ज्ञानी स्वर्ण लोगों की दया, कृपा और अनुकंपा भी मिली। उन्हीं के जीवन से एक उदाहरण लेते हैं। एक दिन उन्होंने अपने सहपाठी से शर्त लगाई और जोरदार बारिश में भी उन्होंने घर से स्कूल तक का सफर पूरा किया। उनके एक ब्राह्मण अध्यापक, जिन्होंने भीम को बारिश में कपकपाते देखा और उन्हें ये दृश्य अंदर तक छू गया। फिर उन्होंने अपने बेटे से भीम को घर बुलाने और सूखे कपड़े देने को कहा। उनके स्कूल में एक और ब्राह्मण अध्यापक थे, जिनका आखिरी नाम अंबेडकर था। वो भीम को अपनी संतान जैसा मानते थे और उन्हें बहुत प्यार करते थे। वो अपना लंच भी भीम के साथ ही खाते थे। भीम का असली नाम भीमराव सकपाल था, पर उनके अध्यापक की दया भावना के कारण ही भीम ने सकपाल से अंबेडकर उपनाम अपना लिया, इसलिए वो अब अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। जब भीम 10 वर्ष की आयु में पहुंचे तो उनके पिता ने दूसरी शादी करने का मन बनाया। स्वाभाविक था कि भीम को उनके पिता का यह निर्णय अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने अपने पिता से अलग होकर स्वतंत्र जीवन बिताने का निश्चय किया। उन्होंने सोच लिया था कि चाहे बॉम्बे मिल में कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना काम चला लेंगे। उन्होंने अपने रिश्तेदार से पैसे चुरा कर बॉम्बे निकल जाने का भी सोचा, पर कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा ने इस बात की गवाही नहीं दी। फिर उन्हें समझ आया कि उनको अपनी पढ़ाई के जरिए ही संसार में नाम कमाना है।
उसी दिन से वो एक जुझारू और मेहनती छात्र की तरह पढ़ाई करने लगे और इस तरह से वो अपने अध्यापकों के और भी प्यारे होते चले गए। जल्द ही उनका परिवार बॉम्बे में आकर एक चौल में रहने लगा। बहुत सारे परिवार झुंड में अभाव में रहने लगे थे। बॉम्बे आने के बाद भीम और उनके भाई ने मराठा हाई स्कूल में दाखिला ले लिया। जब से वो बॉम्बे आकर रहने लगे तब से भीम की पढ़ने की इच्छा और तीव्र होती गई। उनके पिता ने भी भीम की पढ़ाई की इच्छा में बहुत साथ दिया और उन्हें पूरा सहयोग दिया। वो तो इस हद तक आ गए थे कि उन्होंने अपनी दोनों विवाहित बेटियों से भीम की किताबें खरीदने के लिए पैसे उधार मांगे। उसके कुछ समय बाद भीम के पिता ने उन्हें एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला करवाया, जो कि बॉम्बे का सर्वोत्तम हाई स्कूल था। एक कमरे में पूरे परिवार के साथ रहते हुए भीम ने अपनी पढ़ाई को जारी रखने का फैसला किया। उनके दिमाग में बस एक जुनून सवार था और वो था पढ़ाई का। यहां तक एल्फिंस्टन स्कूल भी अस्पृश्यता के अंधकार से अछूता नहीं था। भीम को संस्कृत पढ़ने की बहुत ललक थी, पर दलित होने के कारण उन्हें पर्शियन पढ़ने पर मजबूर किया गया, क्योंकि उस समय का मानना था कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण या स्वर्ण वर्ण के लोग ही पढ़ सकते हैं। बाद में भीम ने अपने दृढ़ संकल्प के चलते ही संस्कृत पढ़ी। जिस संस्कृत को उनको पढ़ने नहीं दिया गया था वे उसमें ही सबसे बड़े स्कॉलर बने। दलित परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, पर इसके बाद भी उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा 1907 में एल्फिंस्टन हाई स्कूल से पास की। उन्हें सबसे ज्यादा अंक पर्शियन में मिले थे। उस समय के दौरान गरीब, जरूरतमंद और योग्य छात्रों के लिए कोई भी हॉस्टल नहीं उपलब्ध था। उन्हें कोई दिशा दिखाने वाला भी नहीं था। पूरे जिले में कुछ ही स्कूल और कॉलेज थे जो कि बड़े शहरों जैसे पुणे और बॉम्बे में स्थित थे। यहां तक जो अमीर छात्र थे या फिर जो स्वर्ण वर्ण के थे वो लोग भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते थे। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गरीब और दलित समाज के छात्र थे उनके लिए आगे पढ़ पाना कितना चुनौतियों भरा रहा होगा। किसी दलित समाज में जन्म लेकर इतने आगे तक आना और इतनी पढ़ाई कर पाना किसी सपने के बराबर था। भीम का पढ़ाई पूरा करना दलित समाज के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उनका पढ़ाई पूरा करना उनके समाज के लिए भी बड़ी बात थी, क्योंकि किसी ने सदियों से चली आ रही प्रथा के खिलाफ जाकर पूरा इतिहास बदल कर रख दिया था और इस अवसर को उनके समाज ने बहुत जोरों शोरों से मनाया था। महाराष्ट्र के समाज सुधारक एस के बोले से भीम की मीटिंग रखवाई गई और इस मीटिंग में एक दूसरे समाज सुधारक जो कि के ए किलोस्कर थे ने भी हिस्सा लिया। किलोस्कर विल्सन हाई स्कूल में एक असिस्टेंट टीचर के तौर पर तैनात थे। उनकी अक्सर भीम से मुलाकात हो जाया करती थी और उसके बाद वो दोनों साथ में घंटों पढ़ाई करते थे। किलोस्कर भीम से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने भीम को अपनी पुस्तक संकलन से किताब लेने का भी मौका दिया और उन्होंने अपनी लिखी गई पुस्तक लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध भी भेंट की। इस पुस्तक का भीम पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसी किताब ने उनको हिंदू से बुद्धिस्ट में बदल दिया। उस समय के रिवाज को निभाते हुए भीम का विवाह उनके हाई स्कूल पास करने के बाद ही कर दिया गया। भीम की आयु उस वक्त 16 वर्ष की थी और उनकी पत्नी की आयु महज 9 वर्ष थी, जिनका नाम रामी था, जो बाद में जाकर रमाबाई हो गया था। कम उम्र में शादी हो जाने के बाद भी उनकी पढ़ने की इच्छा कम नहीं हुई, अपितु और बढ़ती गई। उनके मन में लगी पढ़ाई की आग को उनके पिता और हवा देते थे और इस तरह उन्होंने कभी भी इस आग को बुझने नहीं दिया। पर कहते हैं जीवन आपका हर घड़ी हर पल इम्तिहान लेता है। ऐसा बाबा साहब के साथ भी हुआ। एल्फिंस्टन कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उनके पास आगे की परीक्षा पास करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। तब फिर से किस्मत ने उनका साथ दिया। जब भीम जी की परेशानी उनके मित्र किलोस्कर को पता चली तो उन्होंने स्वयं तत्कालीन बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़, जो कि एक दयालु और मर्म हृदय के थे, उनसे मुलाकात की। बड़ौदा के महाराज ने बहुत पहले ही गांव में ये आदेश दे दिया था कि अगर किसी भी दलित को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए या फिर आगे पढ़ने के लिए मदद चाहिए तो वो हमेशा तत्पर रहेंगे।
किलोस्कर की याचना से महाराज भीम से मिले और उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर से निश्चित होकर उन्होंने भीम को आगे की पढ़ाई जारी रखने का आदेश दिया और उनकी आर्थिक सहायता करने का भी आश्वासन दिया। भीम को 25 रुपए हर माह मिलते थे, जो कि उस समय में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उसके बाद भीम अपनी आगे की पढ़ाई बिना किसी बाधा के करते चले गए। महाराजा द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से उनके परिवार ने पटेल में एक 2 कमरे का अपार्टमेंट खरीद लिया। भीम जी को एक अलग से कमरा मिला हुआ था, जिसमें वो सिर्फ अपनी पढ़ाई किया करते थे। उन्होंने अपना बीए 1913 में पास किया। बीए करने के बाद उन्हें बड़ौदा स्टेट आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर तैनाती मिली, लेकिन बदकिस्मती ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जनवरी 1913 में उनके नौकरी ज्वाइन करने के 15 दिन बाद ही उनके पास टेलीग्राम आया, जिसमें उनके पिता की बीमारी के बारे में लिखा था। उनका पिता के प्रति स्नेह इतना ज्यादा था कि अपनी नौकरी की परवाह ना करते हुए वो बॉम्बे रवाना हो गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनके पिता की तबीयत बहुत खराब है। उनके पिता उस वक्त मृत्यु के करीब पहुंच चुके थे। 2 फरवरी 1913 में उनके पिता का देहांत हो गया। अपने पिता को खो देने का गम भीमराव जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने पिता को हमेशा जीवन के लिए लड़ते देखा। उनके साहस और परिश्रम के कारण ही आज उनकी संतान इस मुकाम पर पहुंची थी। हमेशा कठिनाइयों का डटकर सामना करना और अपने मनोबल को हारने ना देना, ये सब उनको उनके पिता ने ही सिखाया था। ऐसा माना जाता है कि रिटायर सूबेदार राम जी के मरने से पहले अपने प्रिय पुत्र की पीठ पर हाथ रखकर उन्हें अपना आशीर्वाद के साथ अपना अदम्य संकल्प और साहस भी देकर इस दुनिया से अलविदा लिया। वो अपने पीछे अपनी विरासत के तौर पर अपने पुत्र को छोड़ गए। पश्चिम में अल्पवास। कहते हैं कि परिस्थितियां भी इंसान का भविष्य तय करती हैं। अगर भीम जी के पिता ना बीमार पड़े होते तो वो कभी बड़ौदा वाली नौकरी छोड़कर नहीं आते। सोचिए भीम की नियति का तब क्या होता अगर वो लौटकर बॉम्बे नहीं जाते। वो बड़ौदा वाली नौकरी ही करते रहते और ज्यादा से ज्यादा स्टेट के प्राइम मिनिस्टरशिप तक प्रमोट हो जाते, और दलित परिवार से आने के कारण इतना कर लेना ही उनके लिए सपनों से कम नहीं था। पर नियति ने भीम के लिए इससे कुछ बहुत बड़ा सोच रखा था, क्योंकि उन्हें इतिहास में नाम कमाना था और अपनी एक अमिट छाप छोड़नी थी। उसके कुछ दिन बाद ही बड़ौदा के राजा ने ये घोषणा की कि वो कुछ योग्य छात्रों को अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजना चाहते हैं और उसका पूरा खर्चा वो खुद उठाएंगे। इसको सुनकर भीम के तो जैसे भाग्य ही खुल गए हों। उन्होंने महाराज से बाहर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई। महाराज तो पहले से ही भीम से प्रभावित थे। उन्होंने भीम से इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने को बोला। 4 जून 1913 में भीम के साथ साथ 3 और स्कॉलर्स ने शिक्षा के डेप्यूटी ऑफिस के अंतर्गत एक एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किए, जिसमें लिखा था कि वो अमेरिका जाकर बताए गए विषय से पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई पूरी खत्म करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लौटने के 10 साल बाद तक अपने प्रांत के विकास में लग जाएंगे। ये घटना भीमराव जी के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। भीमराव की सफलता के बहुत सारे आयामों के रास्ते खोल दिए और भीम की पढ़ाई का सपना भी सच होने के कगार पर ला दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन की लीडरशिप में नॉर्थ अमेरिका भी उस समय फलने फूलने लगा था। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरह ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ताकतवर, संयुक्त और लिबरल हो गया था। जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, थॉमस जेफरसन और नीग्रो लीडर बुकर टी वॉशिंगटन के साहस और पराक्रम ने लोगों पर जादू सा कर दिया था। उस समय अमेरिका सच में सपनों की नगरी बन चुका था। जुलाई 1913 के तीसरे सप्ताह में नई उम्मीद और उमंग लिए भीमराव जी न्यूयॉर्क पहुंचे, पर वहां पर रह पाना इतना आसान नहीं था जितना आसान दिखाई दे रहा था। एक लॉज से दूसरे लॉज में भटकने के बाद वो एक पारसी छात्र नवल भटेना के साथ रहने लगे, और ये दोस्ती कब जीवन भर के साथ में बदल गई इसका उन्हें पता भी ना चला। जीवन में पहली बार भीम अस्पृश्यता के भूत से आगे निकल पाए। वो जब तक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहे, उन्होंने देश के विकास के बारे में ही सोचा। उनका ज्ञान का भंडार बढ़ता गया और वो समय समय पर उसे औरों में बांटते गए।
एक बार उन्होंने अपने पिता के मित्र को चिट्ठी लिखकर बताया कि नारी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और वो कैसे देश के विकास और तरक्की में सहायता कर सकती है। भीम जी के मन मस्तिष्क पर बस पढ़ाई का ही भूत सवार था। फिर चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी कठिनाई आए, वो उसको पार करके आगे बढ़ते रहते थे। महान लोगों की एक निशानी होती है कि वो कभी अपना समय व्यर्थ के कामों में नहीं लगाते थे और यही भीमराव जी भी करते थे। उन्होंने अपना सारा समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के नाम लिख दिया था। पढ़ाई के साथ साथ उनकी उनके परिवार की तरफ भी कुछ जिम्मेदारियां थी, इसलिए वो अपने स्टाइपेंड से कुछ पैसा अपने परिवार को भिजवा दिया करते थे। भीमराव जी ने कठिन और अलग विषयों जैसे पॉलिटिकल साइंस, मॉरल फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स चुन रखे थे, जिसको पढ़ने में वो 18-18 घंटे बिता दिया करते थे। 1915 में उन्हें एमए की डिग्री उनकी लिखी थीसिस एंशिएंट इंडियन कॉमर्स के लिए दी गई थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने एंथ्रोपोलॉजी विषय के लिए एक पेपर भी लिखा जो कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नाम से प्रसिद्ध हुआ। जून 1916 में द नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी नाम से थीसिस लिखकर पीएचडी की डिग्री हासिल की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद भीम न्यूयॉर्क छोड़कर लंदन चले गए। अक्टूबर 1916 में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। साथ ही साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करने लगे। बड़ौदा के महाराज फिर से भगवान के रूप में सामने आए और उन्होंने भीम को आगे की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी और इंग्लैंड में रहने का पूरा खर्चा भी उन्होंने ही उठाया। पर बड़ौदा के दीवान को ये बात कुछ भाई नहीं, इसलिए उन्होंने भीम को लंदन से बुलाकर अपने प्रांत की सेवा करने का आदेश दिया। भीम को लंदन से अपनी पढ़ाई बीच में रोक कर लौटना पड़ा, पर लौटने से पहले अपने अध्यापक डॉक्टर एडविन कैनन की सलाह से उन्होंने आगे की पढ़ाई आने वाले 4 वर्षों में पूरी करने का समय मांगा। उनके अच्छे व्यवहार और ज्ञान को देखते हुए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने उन्हें ये अनुमति प्रदान की। 21 अगस्त 1917 को भीमराव बॉम्बे वापस आ गए। ये वो समय था जब भारत बहुत कठिनाई से जूझ रहा था। सितंबर 1917 को वो बड़ौदा आए। बड़ौदा के महाराज इनको इसलिए वित्त मंत्री बनाना चाहते थे ताकि इन्हें प्रशासन में कुछ अनुभव हासिल हो। उन्होंने शुरुआत इनको मिलिट्री सेक्रेटरी बनाने से की। हालांकि ये पद इन्होंने अपनी पढ़ाई के दम से हासिल किया था, पर अस्पृश्यता ने फिर भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। वहां के चपरासी ने भी इन्हें पानी देने से इनकार कर दिया था। कोई भी होटल इनको आश्रय नहीं देना चाहता था। इन्होंने इस विषय पर बड़ौदा के महाराज को चिट्ठी लिखी। उन्होंने ये बात दीवान को बताई, पर कोई भी इस विषय पर निर्णय लेने में असमर्थ थे। बहुत ज्यादा हताश होकर भीम ने वहां से चले जाने का फैसला किया और नवंबर में वो बॉम्बे वापस आ गए। इसके बाद इनकी सौतेली माँ का भी निधन हो गया। बॉम्बे लौटने के बाद इनकी मुलाकात कोल्हापुर के राजा शाहू महाराज जी से हुई। ये भी जाति प्रथा के जंजीरों को तोड़कर सबको एक बराबर करना चाहते थे। महाराज जी से मिलना उनकी जिंदगी में फिर से नया मोड़ लेकर आया। ना ही सिर्फ महाराज ने अपने शासन में एक दलित को रखा था, बल्कि साथ ही दूसरे दलितों की पढ़ाई, रहने खाने की व्यवस्था का भी ध्यान रखते थे। यहाँ तक कि उन्होंने पूरे समाज के सामने दलितों के साथ बैठकर भोजन तक ग्रहण किया था ताकि वो जातिवाद जैसी कुप्रथा का खंडन कर सकें और उनकी प्रजा में एक नया पैगाम पहुंचे। 1919 में महाराज भीम से आग्रह करके अर्धमासिक पेपर भी छपवाने लगे थे। जनवरी 31, 1920 को पहली बार उनका पेपर निकल कर आया था, जिसका नाम मूक नायक था। इस पेपर के एडिटर ना होते हुए भी भीम ने इसका पूरी तरह से समाज में फैली कुप्रथा, नाइंसाफी और यातनाओं को जनता के सामने रखने के लिए प्रयोग किया। अंबेडकर जी ने नवंबर 1918 में गवर्नमेंट सिडनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की भी नौकरी की। उनका मुख्य उद्देश्य पैसे बचाकर लंदन स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरा करने का था और वो जो पैसे बचाते थे वो अपनी पत्नी को भेज दिया करते थे। जुलाई 1920 में अंबेडकर ने पर्याप्त पैसे बचाकर
और कोल्हापुर के महाराज से सहायता प्राप्त करके लंदन अपनी पढ़ाई पूरी करने चले गए। उनके लंदन जाने में उनके मित्र नवल भठेना का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इन्होंने भी भीम को 5,000 रुपए उधार के तौर पर दिए थे। लंदन में भी उनकी जिंदगी कम कठिन नहीं थी। वो जहाँ पर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते थे, वहाँ की मकान मालकिन बहुत ही निष्ठुर औरत थी। वहाँ का सुबह का नाश्ता और रात का खाना भीम की भूख को मिटाने में असमर्थ था। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो बाहर कहीं कुछ खा लें। भीम की पढ़ाई करने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका पेट भरा है या नहीं। वो ट्रेन से सफर करने के बजाय पैदल यात्रा किया करते थे ताकि उनके पैसे कम खर्च हों। समय समय पर उनके दोस्त नवल भठेना भी उनकी आर्थिक सहायता कर दिया करते थे। लंदन में की गई रिसर्च से उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया थीसिस लिखी, जिसके लिए उन्हें मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी जून 1921 को दी गई। अगले ही साल उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के लिए एक और थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। वो थीसिस लिखने में इतने मशगूल हो गए कि उनके पास बैरिस्टर की पढ़ाई करने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा, इसलिए वो परीक्षा में भी नहीं बैठ पाए। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन्ड का भी भ्रमण किया। उन्होंने अप्रैल 1922 से लेकर मई 1922 तक बॉन यूनिवर्सिटी में अपने दाखिले की सारी औपचारिकताएं कर ली और फिर वो लंदन वापस आ गए। उनकी थीसिस ने लंदन यूनिवर्सिटी में तहलका मचा दिया था, क्योंकि उन्होंने इंडिया में ब्रिटिश फिस्कल पॉलिसी की कड़ी निंदा और आलोचना की थी, इसलिए उनको यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन से मार्च 1923 में लंदन बुला लिया गया और उनके प्रोफेसर डॉक्टर एडविन कैनन ने उनको फिर से थीसिस लिखने के लिए बोला, पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो लंदन में ज्यादा समय के लिए ठहर पाए, इसलिए वो फिर बॉम्बे वापस आ गए। उनका परिवार भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। अप्रैल 1923 में उन्होंने फिर से अपनी थीसिस लिखकर डॉक्टर एडविन कैनन को भेजी। इतनी कठिनाई के बावजूद भी अब तक भीमराव ने अपनी पढ़ाई से इतनी योग्यता हासिल कर ली थी जो उनके स्वर्ण वर्ण के समकालीन व्यक्ति भी हासिल नहीं कर पाए थे। ये सब सिर्फ उनके परिश्रम और इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो पाया था। पश्चिमी शिक्षा के बावजूद वो अपनी भारतीय मिट्टी से जुड़े रहे और अपना सारा जीवन अपनी मातृभूमि के विकास में ही लगा दिया। घर वापसी। अंबेडकर अप्रैल 1923 को भारत आए। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी से सर्वोत्तम पढ़ाई करके लौटने के बाद भी भीम की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आया था। आखिर में उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो बैरिस्टर की नौकरी कर लें ताकि वो समाज की सेवा भी कर पाएं और अपनी पैसों की जरूरतों को भी पूरा कर पाएं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास वकील का लाइसेंस लेने तक के पैसे नहीं थे। नवल भठेना फिर भगवान के रूप में सामने आए और उन्होंने भीम को लाइसेंस के लिए पैसे दिए और इस तरह उन्होंने अपनी बैरिस्टर की प्रैक्टिस जून 1923 में शुरू की। इतने योग्य वकील होने के बाद भी भीम को कोई अपना केस नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो दलित परिवार से आते थे। जो देते भी थे वो बहुत गरीब और लाचार तबके के लोग थे, जिनसे भीम को ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। कभी कभी यह सारी स्थिति उन्हें बहुत निराश कर देती थी, पर उनकी इच्छा शक्ति और बहादुरी उन पर हावी हो जाती थी। उस समय ये अफवाह फैली थी कि ब्रिटिश राज होने के कारण अगर किसी को केस जीतना है तो उसे यूरोपियन बैरिस्टर को ही नियुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में सारे ही जज यूरोपियन ही थे। अस्पृश्य होने के कारण स्वर्ण वर्ण के वकील भी भीम जी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे केसेस लड़कर ही काम चलाना पड़ा। जब भीम ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की तो उस समय बहुत सारे कारकों की वजह से भारत की नियति बदल रही थी। बॉम्बे और उसके आसपास बहुत सारी टेक्सटाइल मिलों की स्थापना की जा रही थी। गांधी जी के द्वारा आजादी की धीरे धीरे चिंगारी को भी हवा मिल रही थी। अगस्त 4, 1923 को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा क्रांति की गई, जिसको आगे श्री एस के बोले ने बढ़ाया। काउंसिल ने ये सिफारिश की, जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, कुआं,
धर्मशाला और जितने भी सरकार द्वारा निर्मित स्कूल, कोर्ट, ऑफिस या डिस्पेंसरी हैं, उसका इस्तेमाल दलित और अस्पृश्य लोग कर सकते हैं। सितंबर 11, 1923 को एक आदेश गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने पारित किया और लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहा कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो आम जनता को इस एक्ट को स्वीकार करने और मानने के लिए प्रेरित करें। उसी के साथ साथ अंबेडकर जी ने भी दलित विकास के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 9 मार्च 1924 को दामोदर हॉल बॉम्बे में एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि वो अस्पृश्य लोगों और दलित को सरकार से पहले सुने और उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें। उस मीटिंग का नतीजा ये हुआ कि एक बहिष्कृत हितकरणी सभा का गठन हुआ जिससे वो दलितों के विकास और उनके उत्थान को बढ़ावा दे पाए। दलितों में पढ़ाई को प्रचारित करना, लाइब्रेरी और स्टडी सर्कल का निर्माण करके भारत के कल्चर को दलितों के बीच प्रचारित करना, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल स्कूल को बनवाकर दलितों की आर्थिक स्थिति को सही करना और प्रताड़ित और परेशान दलितों की शिकायत सरकार तक लाना, ये सारे मुख्य कार्य थे इस सभा के। इस सभा के प्रेसिडेंट थे C.H. Sittlewood, जो कि एक उच्च जाति के गुजराती हिंदू थे और अपने समय के बेहतरीन लॉयर। सभा के वाइस प्रेसिडेंट एक उम्दा लोगों का समूह था जिसमें एम निसिम, रुस्तम जी जिनवाला जो कि एक पारसी वकील थे, जी के नरिमन, आरपी परांजपे, वीपी चवन और बीजी खेर शामिल थे। अंबेडकर जी मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन थे। कई और आंदोलन इसी सभा की तरह ही परस्पर चल रहे थे, पर उनमें और अंबेडकर जी के आंदोलन में ये फर्क था कि अंबेडकर जी अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे और दूसरी सभी बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर ज्यादा जोर दे रही थी। अंबेडकर जी का मानना था कि अस्पृश्यता को तभी हटाया जा सकता है जब हम उसकी जड़ से सुधार करें। इसके लिए उनका कहना था कि हिंदू समाज का फिर से गठन करना होगा। सिर्फ उनके साथ सार्वजनिक खाना खाने और उनके प्रति दया जता कर ही काम नहीं चलेगा। हिंदू समाज में जातिवाद में सुधार करना होगा, जातिवाद सोच को हटाना होगा। सिर्फ ब्राह्मण ही पंडित नहीं बन सकते, हिंदू ग्रंथों का मानकीकरण जैसे सुधार इत्यादि। हालांकि महात्मा गांधी और अंबेडकर जी दोनों ही अस्पृश्यता को मिटाना चाहते थे, दोनों के प्रयास अलग अलग थे। महात्मा गांधी जहां सार्वजनिक स्थानों में दलित के साथ खाना खाकर उनके साथ हाथ मिलाकर इसको मिटाने का प्रयत्न कर रहे थे, जबकि अंबेडकर जी इसको जड़ से ही मिटा देना चाहते थे, पर दोनों का उद्देश्य एक ही था। भले ही उनके रास्ते अलग थे पर दोनों एक ही मंजिल पर पहुंचना चाहते थे। अधिकारों का संघर्ष। बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने कई उपयोगी योजनाएं तैयार की जिसमें दलितों के विकास और उन्नति को ध्यान में रखा गया। सभा ने दलित छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल व्यवस्था, उनके कपड़े, बुक, कॉपी और खाने का भी बंदोबस्त शोलापुर में कराया। शोलापुर नगर पालिका ने हॉस्टल के मेंटेनेंस के लिए 40 रुपए देने का भी वादा किया। सभा ने अंबेडकर को एक मंच प्रदान किया जिससे वो गांव गांव जाकर दलितों को जागरूक करें और उनके अधिकारों से वाकिफ कराएं। उन्होंने प्रोविंशियल डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस जो कि निपाणी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुई में भाग लिया और उन्हें गाइड भी किया। इन्होंने रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस पर एक लेख लिखा और भारत के गोल्ड एक्सचेंज की आलोचना भी की जो कि रॉयल कमीशन के अंतर्गत आती थी, जिसके लिए रॉयल कमीशन ने इनका इंटरव्यू भी लिया। ई.वी. रामास्वामी नेकर जो एक गैर ब्राह्मण लीडर थे, उनके द्वारा सत्याग्रह भी ट्रावनकोर में लॉन्च हुआ जिससे ट्रावनकोर के रूलर ने ये आदेश 1925 में पारित किया कि दलित भी उन सड़कों का प्रयोग कर सकते हैं जो सरकार द्वारा बनाई गई है। एक और सनसनी घटना घटी जब एक दलित व्यक्ति मुर्गेसन ने मद्रास के एक हिंदू मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, फिर उसके खिलाफ एक केस भी दर्ज हुआ जिसने दलितों को हिलाकर रख दिया। भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी उस समय कोर्ट में मौजूद थे जब मुर्गेसन का ट्रायल चल रहा था।
हालांकि वो केस की पैरवी नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने मुर्गेसन के अधिकारों की रक्षा कर उसको केस से बाइज्जत बरी कर दिया। उसी समय अंबेडकर के नाम का भी धीरे धीरे डंका बजने लगा था। उन्होंने 1926 में 3 गैर ब्राह्मण लीडर के केस की पैरवी की, जिसमें उन पर ये इल्जाम लगा था कि वो ब्राह्मणों को बदनाम कर उनके खिलाफ पैम्पलेट बंटवा रहे थे। इसी की पैरवी करते हुए अंबेडकर ने ये केस लड़ा और इसमें विजय भी हुए। अब तक भीमराव जी प्रख्यात वकील और समाज सुधारक बन चुके थे, पर अभी भी वो उसी चौल में रह रहे थे जिसमें जरूरत की बहुत कम सुविधाएं थी। कहते हैं आप कहीं भी और चले जाएं, पर आपका इतिहास हमेशा आपके साथ ही रहता है। अंबेडकर जी भी अपने दलित होने का बोझ उठाते रहे। उनके सुयोग्य होते हुए भी उन्हें सिडनहम कॉलेज के प्रिंसिपल का पदभार नहीं मिला। किलोस्कर की सिफारिश के बावजूद भी उन्हें कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बनाया गया। हालांकि जून 1925 से 1928 तक उन्होंने बाटली बॉय अकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम मर्केंटाइल लॉ के टीचर की भूमिका निभाई। उसी अंतराल में उनकी पत्नी ने उनके पुत्र राजरतन और पुत्री इंदु को जन्म दिया। इंदु की मृत्यु तुरंत ही हो गई थी। इधर रमाबाई की तबीयत भी खराब होने लगी, तो अंबेडकर ने सोचा कि रमाबाई को उनके पैतृक स्थान पर पहुंचा दें। दुर्भाग्यवश अंबेडकर के पुत्र राजरतन की भी 1926 में मृत्यु हो गई। जनवरी 1927 अंबेडकर जी ने एक सभा संबोधित की जिसमें ऐसे दलितों की समस्या रखी जिनको वर्ल्ड वॉर 1 में भाग लेने के बाद भी असक्षम घोषित कर दिया गया था। बाद में गवर्नमेंट ने इसको भी हटा दिया। जनवरी 1927 को बॉम्बे के गवर्नर ने अंबेडकर को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बना दिया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के बाद तो दलितों के जीवन में क्रांति सी आ गई थी। अब जो आंदोलन कागजी थे उनको जीवंत करने का समय आ गया था। बोले आंदोलन जो पास हुआ था उसका उपयोग अभी तक बस कागजी ही था, पर उनके मेंबर बनने के बाद भीम ने ये सुनिश्चित किया कि उस आंदोलन का सब अनुसरण भी करें। जो टैंक कागजों में दलित के लिए खोल दिए गए थे ताकि वो शुद्ध पानी पी सकें, असल में उच्च जाति के हिंदुओं के डर से दलित उसका इस्तेमाल नहीं किया करते थे, पर अब वो टैंक दलितों के लिए खोल दिए गए थे और स्वर्ण वर्ण के लोग कुछ कह भी नहीं सकते थे। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में दलितों को संबोधित करते हुए कहा कि उनको अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, सिर्फ उच्च जाति का बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने गुजारिश की कि मिलिट्री में दलितों पर जो बैन लगा है उसे भी हटाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक की जाए, उन्हें अवसर दिए जाए। उन्होंने एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च भी निकाला जिसमें टैंक से पानी लिया गया। इस बार दलितों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने अधिकार सबके समक्ष रखे। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद वो अपने बंगले पर चले गए जहां वो ठहरे हुए थे। इधर कॉन्फ्रेंस के पंडाल में कुछ उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा दलितों की पिटाई भी हुई, और जब अंबेडकर जी ये देखने आए तो उन उपद्रवियों ने भीम को भी घेर लिया, पर भीम ने निडर होके अपनी बात रखी। इस घटना ने अंबेडकर के जीवन को बहुत प्रभावित किया। उनके बड़े भाई उनकी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित रहते थे और उन्हें अपने काम से काम रखने की सलाह दिया करते थे। आगे चलकर उन्हें ये ज्ञात हुआ कि जनसाधारण को जागरूक करना कितना जरूरी है। इसके लिए इन्होंने बहिष्कृत भारत की स्थापना की, जिसमें इन्होंने अर्धमासिक पत्रिका को अपनी आवाज का जरिया बनाया। ये पत्रिका ना ही सिर्फ दलितों को उनके अधिकारों और देश में क्या चल रहा है उसके बारे में बताती थी, बल्कि उच्च जाति के हिंदुओं को भी संदेश देती थी कि अब दलित बीहड़ समाज का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी कुछ ज्ञान है, वो अब डरेंगे नहीं और दबेंगे नहीं। उनका मानना था कि जातिवाद नहीं जाएगा जब तक हम हिंदू समाज की फिर से रचना नहीं करेंगे, वरना तो दलित या शूद्र चिरकाल तक शूद्र ही रहेंगे और ब्राह्मण बिना ग्रंथों का ज्ञान रखे ब्राह्मण ही रहेंगे। हिंदू समाज का वर्गीकरण उनके ज्ञान और प्रोफेशन के आधार पर होना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। और जिस दिन दलितों ने अपना आत्मसम्मान और आजादी प्राप्त कर ली, उस दिन से वो देश को बहुत कुछ दे पाएंगे, जैसे उनका ज्ञान, साहस, बल इत्यादि,
और देश की तरक्की और आगे बढ़ती रहेगी। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त की गई इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जिसका नेतृत्व सर जॉन साइमन कर रहे थे, वो 1928 फरवरी में बॉम्बे पहुंची। एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बोला गया। उन्होंने वैसा ही किया, पर बाद में पता चला कि नेहरू ने जो संविधान बनाया था उसमें हिंदू मुस्लिम को जोड़ने पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम में फूट की चिंगारी सुलगने लगी थी और उसका धुआं जन जन के पास जाने लगा था। पंडित जी को लगा कि बाहरी तत्व कहीं इसका फायदा ना उठा लें, इसलिए उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें दोनों को जोड़ा जा सके। बाद में अंबेडकर जी को ज्ञात हुआ कि इसमें तो दलितों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया, इसलिए पंडित जी का बनाया गया संविधान आलोचना का पात्र बन गया। हालांकि इसमें उनकी ज्यादा गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने दलितों के जीवन को करीब से नहीं देखा था। सन 1930 में एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें अंबेडकर ने कॉन्फ्रेंस रख के ये बताया कि कैसे वो मंदिर में अहिंसा सहित जाएंगे। लगभग 15,000 दलितों ने उनका साथ दिया, पर इन लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं मिला। पर ये लोग वहां से नहीं हटे और मंदिर के गेट के सामने ही पालती मारकर बैठ गए और भजन कीर्तन करने लगे। ना ही उच्च जाति के हिंदू इनको मंदिर के अंदर आने देना चाहते थे, ना ही ये अपना सत्याग्रह तोड़ना चाहते थे। तब किसी ज्ञानी पुरुष ने इसके बीच का रास्ता निकाला और भगवान राम की मूर्ति को एक रथ में रखकर इन लोगों ने यात्रा निकाली। इन सारी चीजों का असर अंबेडकर जी के स्वास्थ्य पर पड़ा और वो एक सभा को संबोधित करते हुए बेहोश होकर गिर गए। और ये बताया जाता है कि बेहोशी के हालत में भी वो बस समाज के कल्याण की बातें और उनके सपनों को ही बुदबुदा रहे थे। कॉन्फ्रेंस और पैक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया, जिसमें भारत के अलग अलग राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे। 53 भारतीयों को न्योता दिया गया था, जो कि अलग अलग तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सितंबर 6, 1930 को अंबेडकर जी को भी न्योता गया। नवंबर 12, 1930 को अंबेडकर जी ने लंदन पहुंचकर इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। रामसे मैकडॉनल्ड को इस कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन चुना गया। वहां पर भी अंबेडकर जी ने बहुत ही यादगार स्पीच दी। स्पीच में भीमराव जी ने बताया कि दलितों को भी अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी अपनी स्पीच में कुछ प्रश्न किए, जिससे ब्रिटिश और भारतीय सरकार में व्याकुलता बढ़ा दी। उन्होंने ये भी कहा कि देश में अभी भी ऐसी सरकार है जो आधे से ज्यादा लोगों की परेशानियों से अनजान है। ब्रिटिश सरकार भी उनकी स्पष्ट बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। बड़ौदा के महाराज भी उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। उन्हें भी उनकी स्पीच इतनी पसंद आई कि उन्होंने भीम जी को अपने घर खाने पे बुलाया। ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने भी इनकी तारीफ में अच्छा खासा आर्टिकल लिखा। ब्रिटिश सरकार ने एक इंक्वायरी भी बिठाई, जिसमें ये पता लगाया जाना था कि अंबेडकर जी वीर सावरकर और दूसरों की तरह क्रांतिकारी हैं या फिर उग्रवादी हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरुआती दिनों के बाद अंबेडकर जी ने कमेटी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। अंबेडकर और डॉक्टर मुंजे की गहन बहस के बाद दोनों इस नतीजे पर आए कि दलितों को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने साथी धर्म वालों से असहमत या अलग हो जाएं। अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए फंडामेंटल राइट्स में दलितों के कल्चर, उनके धर्म और आर्थिक अधिकार हिंदू समाज को मान्य रहेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये अच्छी बात हुई कि कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम मेंबर के बार बार आग्रह करके भारतीय मुस्लिम समाज का अलग स्थान दिलवाने के बजाय कॉन्फ्रेंस में एकता, अखंडता, आजादी पर ज्यादा ध्यान दिया गया। पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी जितना सबने सोचा था। अंबेडकर जी एक अथक प्रयास के कारण ही बॉम्बे सरकार ने ये घोषणा की कि वो अब दलितों को भी आर्मी और पुलिस में भर्ती करेगी। उसी के साथ ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस लीडर को छोड़ने का आदेश भी दिया। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से गहन विवेचन के बाद ये पैक्ट किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समाप्त कर दिया
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की दूसरी मीटिंग में अंबेडकर जी को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को बोला। न्यूज़पेपर वाले जो पहले भीम को कुछ नहीं समझते थे, वो भी उनके नाम का लोहा मानने लगे थे। सबकी निगाहें उस वक्त राउंड टेबल की सेकेंड ओपनिंग पर थी जब महात्मा गांधी वहां पर स्पीच दे रहे थे। 15 सितंबर 1931 में गांधी जी ने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी, जिसके अंबेडकर जी हिस्सा नहीं थे, में ये स्पीच दी कि इंडियन कांग्रेस हर तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, फिर वो चाहे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई या दलित हो। उसी दिन अंबेडकर जी ने गांधी जी की स्पीच का उत्तर देते हुए कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी कभी भी उन्हें उनके सारे अधिकार नहीं दे पाए और उनके आंतरिक मामलों पर भी हस्तक्षेप करती रहेगी। इंडियन प्रिंसली स्टेट को फेडरेशन ज्वाइन करने से पहले फेडरल कमेटी को यह साबित करना पड़ेगा कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में स्रोत है कि नहीं। आरटीसी में अंबेडकर द्वारा दी गई स्पीच ने उनको रातों रात प्रसिद्ध कर दिया था। यहां तक कि जो कट्टर हिंदू थे वो भी विस्मयी होकर उनकी स्पीच से नोट लिखा करते थे। ब्रिटिश प्रीमियर ने उनका पुरस्कार भारत में फैली किसी सांप्रदायिक समस्या को देना चाहा। इसमें यह था कि प्रोविंशियल असेंबली में वो दलितों को अलग से सीट देंगे और उन्हें डबल वोट का भी अधिकार होगा, जिससे वो अपना प्रतिनिधि चुन सकेंगे। इससे सांप्रदायिक मतभेद पैदा हो गया और इस तरह इस अवार्ड की सबने निंदा की। गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलित समाज को अलग निर्वाचक मंडल मिले। अंबेडकर और गांधी जी को फिर से ब्रिटिश सरकार ने यरवदा जेल में डाल दिया था। जेल में ही उनके पारस्परिक मित्र के द्वारा दोनों की मीटिंग रखी गई। उस समय गांधी जी की हालत बहुत खराब थी, वो बहुत बीमार थे, पर उस स्थिति में भी गांधी जी ने अंबेडकर से बहुत लंबी बहस की। दोनों ने अपने अपने स्थानों पर महारत हासिल कर रखी थी और कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। दोनों अपने तबके के अधिकारों को बचाकर रखना चाहते थे। घंटों चली वार्ता के बाद ये निष्कर्ष निकला कि प्रोविंशियल असेंबली में दलितों को 148 सीट दी जाएगी और ये ही नहीं, सेंट्रल असेंबली में ब्रिटिश इंडिया की हिंदू सीटों का 10% भी दलितों के नाम कर दिया जाएगा। यहां पर पूना पैक्ट का जिक्र जरूरी है। अंबेडकर और गांधी जी में अक्सर लंबी बातचीत चलती थी। दोनों अपने पक्ष को रखते थे और दोनों ही अपने पीछे नहीं हटते थे। ऐसा फिर से हुआ जब मंदिर में एंट्री का बिल पास कराना था। अंबेडकर के बॉम्बे आने के बाद उन्हें एक टेलीग्राम आया जिसमें गांधी जी ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। उन्होंने ये टेलीग्राम यरवदा जेल से ही भेजा था। उसी बीच राउंड टेबल की मीटिंग भी दिल्ली में रख दी गई। उन्होंने गांधी जी को टेलीग्राम भेजा और दिल्ली से वापस आकर उनसे मिलने के लिए बोला। मीटिंग से लौटकर बॉम्बे आने के बाद उन्होंने फिर से गांधी जी को टेलीग्राम भेजा, जिसमें 4 फरवरी 1933 को उनसे मिलने के लिए बोला। गांधी जी अपने कुछ मित्रों के साथ ठीक दोपहर के 12:30 बजे मिलने पहुंचे। गांधी जी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अंबेडकर जी से आग्रह किया कि वो टेंपल एंट्री बिल को अपनी सहमति दे दें, पर अंबेडकर जी ने उसे इस आधार पर नकार दिया कि बिल सिर्फ दलितों को मंदिर जाने की अनुमति देगा पर अस्पृश्यता को जड़ से नहीं मिटाएगा और लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि अस्पृश्यता एक अभिशाप है। उन्होंने गांधी जी से बहुत ही साफ और विनम्र शब्दों में बोला कि ये अस्पृश्यता तब तक नहीं जाएगी जब तक जाति व्यवस्था नहीं जाएगी, पर गांधी जी का अटूट विश्वास जाति व्यवस्था में था। वो इससे ना ही अलग होना चाहते थे, ना ही अलग हो सकते थे। हालांकि वो दलितों और अस्पृश्य लोगों के विकास और उन्नति का कार्य करते, पर वो खुद को उससे अलग नहीं करना चाहते थे और यही कारण था गांधी जी और अंबेडकर जी के मतभेद का तूफान। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अनुसार मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा व्हाइट पेपर इशू किया गया, जिसमें भारत के संविधान में कुछ सुधार के लिए कुछ प्रपोजल थे। ये व्हाइट पेपर ब्रिटिश सुविवेचित किया जाना था ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों के साथ। ये घोषणा बहुत सारे भारतीय लीडर्स के लिए निंदा का कारण बनी। व्हाइट पेपर की घोषणा के बाद उन नामों की घोषणा हुई जिनको कमेटी ज्वाइन करनी थी। 17 लोग ब्रिटिश इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और 32 ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में चुने गए थे।
अंबेडकर जी भी उन्हीं डेलीगेट्स में से एक थे। इसके लिए अंबेडकर ने बाकी डेलीगेट्स और उनके अनुयायियों से जबरदस्त परामर्श किए, यहाँ तक कि वो परामर्श करने गांधी जी के पास यरवदा जेल भी पहुंच गए। 6 मई 1933 में वो लंदन पहुंचे। काफी व्यस्त समय होने के बावजूद भी वो गांधी जी की हालत पर जायजा लेते रहे, यहाँ तक कि वो अपने मित्र किलोस्कर की हालत भी पूछते रहे। किलोस्कर अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनकी स्थिति देखकर अंबेडकर ने बड़ौदा के महाराज से उनकी आर्थिक स्थिति के लिए पैसे प्रदान करने के लिए पिटिशन भी दायर की, ताकि किलोस्कर का आखिरी जीवन सही से बीते। लंदन पहुंचने के बाद जॉइंट कमेटी के भारतीय डेलीगेट की कॉन्फ्रेंस हुई, जिससे ये निश्चित हुआ कि व्हाइट पेपर की खामियां ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जाएं। इस मीटिंग में अंबेडकर जी ने अपने साथियों से बताया कि दलितों के लिए निर्वाचन मंडल की मांग करेंगे, क्योंकि उनके लोगों पर उच्च जाति के हिंदू ने बहुत अत्याचार किया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अंबेडकर जी ने सर विंस्टन चर्चिल के समक्ष ऐसे आंतरिक और चुभने वाले सवाल किए जिससे वो एकदम चुप हो गए। चर्चिल, जिनको इतना ज्ञान था, इतनी अच्छी इंग्लिश थी, वो भी अंबेडकर जी के आगे कुछ नहीं बोल पाए। ज्वाइंट कमेटी ने अपनी वार्ता नवंबर 1933 में खत्म की। उनके वापस बॉम्बे लौटने के बाद उन्होंने कुछ अखबारों को इंटरव्यू दिए, जिनमें उन्होंने बताया कि व्हाइट पेपर में जो भी है वो अस्पृश्य लोगों की भलाई में ही है। बीते 4-5 सालों ने अंबेडकर जी की मानसिक और शारीरिक अवस्था पर बहुत चोट की। किसी करीबी की सलाह पर वो अपना इलाज कराने महाबलेश्वर के आयुर्वेद आचार्य के यहाँ गए। वहां पर इन्होंने अपना सर मुंडवाकर और सन्यासी का चोला धारण किया। तब जाकर उनकी तबीयत पहले जैसी हुई। वो बहुत खुश थे कि जो बिल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा जल्द ही पारित कर दिया जाएगा। इसी बात की उन्हें उत्सुकता थी। उन्होंने वकील और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर का पदभार भी संभाल लिया। धीरे धीरे करके इन्होंने पैसे बचाए और उन पैसों से अपना घर बनाने की सोची। दादर के हिंदू कॉलोनी में वो अपना घर बनाने में लग गए। उन्होंने किसी भी आर्किटेक्ट की सहायता नहीं ली, बल्कि खुद ही किताबें पढ़कर अपना घर कुछ ऐसे डिजाइन किया कि जिससे उनकी सारी किताबें एक यथास्थित स्थान पर आ जाएं। ये घर 1937 में बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम राजगृह था। घर का निचली माला रहने के लिए था और ऊपरी माला उनकी किताबों के लिए, जो इन्होंने देश विदेश जाकर इकट्ठा की थी। उस समय तक अंबेडकर जी की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। अंबेडकर जी इतने व्यस्त रहते थे कि उनके पास अपनी पत्नी को देखने का भी समय नहीं था, जिससे वो मृत्युशैया पर पहुंच गई थी और अंत में दुर्भाग्यवश 27 मई 1935 में उनकी मृत्यु हो गई। इस पवित्र औरत ने कभी भी अंबेडकर जी से शिकायत नहीं की, बस चुपचाप सब कुछ सहती रही और उनको प्रोत्साहित करती रही। धार्मिक व्यक्ति होने के कारण उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो पंढरपुर जाएं, जो कि महाराष्ट्र का धार्मिक स्थान है। हालांकि उनके दलित होने के कारण वहां के पंडित उनसे हमेशा दूर रहने के लिए कहते थे और दूर से ही पूजा अर्चना करने के लिए कहते थे, पर अंबेडकर जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहते थे कि उस पंढरपुर को भूल जाओ जो तुम्हें पूजा अर्चना करने से रोकता है, बल्कि हम खुद ऐसा पंढरपुर बनाएंगे जिसमें हर तबके का व्यक्ति पूजा अर्चना कर सकता हो। अंबेडकर जी के धार्मिक ना होते हुए, भगवान और हिंदू रिवाज को ना मानते हुए भी उन्होंने अपनी पत्नी का क्रिया कर्म हिंदू रीतियों से ही किया। उन्होंने अपना सर भी मुंडवाया और शोक के दौरान भगवा कपड़े भी पहने। उनकी पत्नी के जाते ही उन्हें गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रिंसिपल की नौकरी प्राप्त हुई, जिसको उन्होंने 1 जून 1935 को ज्वाइन किया। फिर ऐसा समय आया कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय लिया। जब कांग्रेस लीडरों ने पूना पैक्ट से अपने हाथ खींच लिए, उस वक्त अंबेडकर जी उनकी इस हरकत से बहुत निराश और हताश हुए। उनके मन में निरंतर ये ख्याल चलने लगा कि कैसे वो अपने अनुयायी और अपने तबके के जीवन के स्तर को बढ़ाएं, कैसे वो अस्पृश्यता जैसे अभिशाप से अपने लोगों को मुक्त कराएं। अखबारों में ये खबर आने लगी कि दलित कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर जी अपना धर्म बदलने की घोषणा करेंगे, जो कि 1935 में योला में होनी थी।
ये खबर उच्च जाति के हिंदुओं के लिए बिजली की तरह गिरी। उन्होंने अंबेडकर को पत्र लिखकर ऐसा ना करने के लिए कहा। एक सभा में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उनका और उनके पूर्वजों का हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं और वो अपने पूर्वजों को हिंदू नहीं मानेंगे। उन्होंने पूना पैक्ट बस इसलिए साइन किया था क्योंकि गांधी जी ने उनसे ये करने का आग्रह किया था। बाद में जब उन्होंने इस पर विचार किया तो उन्हें समझ में आया कि ऊंची जाति के हिंदुओं ने उनसे सिर्फ झूठे वादे किए थे। उनका दलितों और अस्पृश्य समाज को लेकर कोई विचार नहीं है। हिंदुओं ने उनकी उन्नति के लिए कुछ भी नहीं किया। 1930 में जब दलित समाज के समूह ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म अपनाने का निर्णय लिया तो अंबेडकर जी ने उनसे थोड़ा और समय ठहरने को बोला। वो देखना चाहते थे कि हिंदू अपने वादे के मुताबिक अस्पृश्यता हटाने के लिए कुछ करते भी हैं कि नहीं। येवला की सभा में करीब 10,000 दलित और अस्पृश्य तबके के लोगों ने हिस्सा लिया जो कि बहुत दूर से आए थे। उन्होंने फिर से सभा में अस्पृश्य लोगों पर हुए अत्याचार, उनका आर्थिक, शारीरिक और मानसिक शोषण सबके सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हीं के धर्म के लोगों ने उन्हें साधारण से मानव अधिकार से भी वंचित कर रखा है, क्योंकि अस्पृश्यता उन्हें इसलिए मिली है क्योंकि वो जन्म से शूद्र पैदा हुए थे। तो उन्होंने सबके समक्ष ये प्रश्न रखा कि क्या वो सब हिंदू धर्म को छोड़ना चाहेंगे अथवा कोई ऐसा धर्म अपनाएंगे जिनमें उन्हें वो ही अधिकार मिले जो सबको मिलते हैं। सभा में उन्होंने एक वाक्य ऐसा बोला कि जिसको सुनकर सबके कान खड़े हो गए और वो ये था कि मैं आपको ये सांत्वना देता हूं कि मैं हिंदू होते हुए नहीं मरूंगा, जिसका मतलब था कि वो जरूर ही किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहेंगे। अंबेडकर जी की इस बात ने मानो भूचाल ला दिया हो। सिर्फ राजनैतिक पार्टी ही नहीं बल्कि धार्मिक पार्टी भी इस वाक्य से बहुत धक्के में आ गई। उनके पास सभी धर्मों से निमंत्रण आने लगे, चाहे वो सिख हो, इस्लाम हो या ईसाई ही क्यों ना हो। हर धर्म के लोग इन्हें अपनी तरफ खींच लेना चाहते थे। यहां तक कि इनके पास बनारस के महाबोधि समाज के सेक्रेटरी का भी टेलीग्राम आया। उन्होंने भीमराव से बुद्ध धर्म अपनाने का आग्रह किया, पर इनका ये निर्णय गांधी जी को पसंद नहीं आया था। उन्होंने इस घटना को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा। उनका मानना था कि अस्पृश्यता खत्म होने वाली थी, ऐसे में धर्म परिवर्तन करना गलत है। वो कहते थे कि धर्म कोई चोला नहीं है जो उतार के फेंक दिया जाए या उसे रोज बदल लिया जाए, बल्कि धर्म तो आपके अंदर बसा हुआ है। अक्टूबर 30, 1935 में अंबेडकर द्वारा धर्म परिवर्तन की घोषणा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ऐसे में जब हिंदू मिशनरी के लीडर मसूरकर महाराज ने जब ये सूचना सुनी तो उन्होंने अंबेडकर जी को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अंबेडकर जी से ये ना करने की विनती की, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज का पतन होना तय था। मसूरकर महाराज अस्पृश्यता के अभिशाप को समझते थे और उन्होंने अंबेडकर जी से थोड़ा और धैर्य रखने के लिए कहा। श्री आर जी प्रधान और अंबेडकर जी की पत्रों के द्वारा वार्ता हुई जिसमें प्रधान जी उनको धर्म परिवर्तन से रोक रहे थे, पर अंबेडकर जी उन्हें समाज में फैली इस कुरीति का आईना दिखा रहे थे। अंत में अंबेडकर जी ने यह कहा कि अगर हिंदू समाज अपने वादे पर टिका रहा और उसने अस्पृश्यता को जड़ से उखाड़ने में उनका साथ दिया अथवा उनकी उन्नति और विकास के लिए कार्य किए तो वो अपने धर्म परिवर्तन के इस फैसले को 5 सालों तक त्याग देंगे। शोषितों के लीडर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने यह घोषित किया कि वो ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन 1937 में कराएंगे। ये घटना सिर्फ राजनैतिक पार्टी के लिए ही मुख्य नहीं थी बल्कि ब्रिटिश इंडिया के लोग भी उत्साहित थे क्योंकि उनको अपना लीडर चुनने का अधिकार मिलने जा रहा था। अंबेडकर जी ने ऊंची जाति के हिंदुओं का अपने लोगों की तरफ व्यवहार देखकर और पूना पैक्ट का हाल देखकर खुद की एक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का आइडिया आया, जिसके लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1935 में किया। पार्टी ने लोगों से वादा किया कि वो दलित, शोषित, किसान, लेबर इत्यादि सभी की परेशानियों को सुनेगी और उसका जल्द से जल्द निपटारा करेगी। साथ ही साथ गांवों में आवास और समाज के सुधार का भी कार्य उनकी जिम्मेदारी होगी।
नवंबर 1936 को भीमराव जी जिनेवा को रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि काम के बोझ में वो बहुत थक चुके हैं। थोड़ा हवा पानी का बदलाव होगा तो उनमें फिर से उतना ही जोश भर जाएगा। वो बॉम्बे जनवरी 1937 में लौट गए। वहां से लौटते ही वो अपनी पार्टी का प्रचार करने लगे। उन्होंने अपना हाथ दूसरे राजनीतिक पार्टी को भी बढ़ाया, जैसे एलबी भोपतकर जो डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी के लीडर थे, और एनसी केलकर। केलकर कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी शोषित वर्ग के लोगों का ध्यान नहीं रख रही थी और उनका विकास नहीं हो पा रहा था। केलकर ने लोगों से मुख्य गुजारिश की वो अंबेडकर जी को वोट दें, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंबेडकर जी दलितों के बेताज बादशाह हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने दो मुख्य चेहरे उतारे ताकि वो अंबेडकर और भोपतकर वाली सीटों के विरुद्ध खड़े होकर दोनों को टक्कर दे सके। फरवरी 17, 1937 में इलेक्शन आयोजित किए गए। उसके कुछ ही दिनों बाद उसका परिणाम घोषित हुआ, जिसमें ये निकल कर आया कि अंबेडकर जी ने भारी मतों से अपने विरोधियों को हराया। 17 में से 15 कैंडिडेट जो अंबेडकर जी ने खड़े किए थे उनको निर्वाचित किया गया था। मार्च 1937 में एक और घटना घटी जिसने अंबेडकर जी की सफलता पर 4 चांद लगा दिए। वो ये थी कि बॉम्बे हाईकोर्ट और थाने के असिस्टेंट जज ने ये फैसला सुनाया कि चवदार तालाब का इस्तेमाल अब दलित और अस्पृश्य समाज भी कर सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादातर हिंदुओं के वोट पाए थे, पर फिर भी वो गवर्नमेंट को ज्वाइन करने में असमर्थ थी। तब तक के लिए अंतरिम मिनिस्ट्री का गठन हुआ और ये माना गया कि ये बस केयरटेकर मिनिस्ट्री होगी और 6 महीनों में फिर से मिनिस्ट्री बुलाई जाएगी। आखिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अंतरिम मिनिस्ट्री ने सम्मिलित किया और कांग्रेस पार्टी ने फिर से मेजॉरिटी में मिनिस्ट्री बनाई, जिसके प्रधान बीजी खेर हुए। आइए बात करते हैं अंबेडकर जी की देश की तरक्की में विभिन्न योगदान की। सबसे पहले जानते हैं उनकी लेजिस्लेटर की भूमिका में किए गए कार्य। अंबेडकर की खेर से पहली भिड़ंत तब हुई जब मिनिस्टर की 500 रुपए तनख्वाह, रहने के लिए घर और आने जाने का किराए का बिल पास कराना था। अंबेडकर जी इनके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि मिनिस्टर की तनख्वाह मार्केट में चल रहे रेट के अनुसार 75 रुपए ही सही है। बिल को पास कराने के लिए 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहला योग्यता, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा अखंडता और चौथा और आखिरी है प्रशासन की शुद्धता। मंत्रियों को 75 रुपए से ज्यादा सैलरी देना गलत है, उस पर खेर ने ये तर्क देते हुए कहा कि ये सब मातृभूमि को सेवा के लिए उन्हें दिए जा रहा है। जब प्रोविंशियल असेंबली सेशन में नहीं थी, तब भी अंबेडकर जी ना सिर्फ शोषित तबके बल्कि किसानों और खेती कर रहे मजदूरों के लिए कैंपेन चलाते रहे। इन्हीं कैंपेन में 17 सितंबर 1937 को अंबेडकर जी ने एक सभा रखी और उसमें उन्होंने जमीनों के खोटी व्यवस्था को खत्म किया। अंबेडकर जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खेती में दासव्रती की प्रथा को खत्म किया था, जो कि सदियों से चली आ रही थी। कांग्रेस लीडर और अंबेडकर जी की एक और असहमति हुई, जिसमें शेड्यूल कास्ट का नाम हरिजन रखकर बिल पारित कराया जाना था। अंबेडकर के एक अनुयायी बी के गायकवाड ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया जिसमें हरिजन के नाम को हटाया जाना था। उन्होंने अंबेडकर की सलाह लेकर एक स्पीच तैयार की जिसमें उन्होंने बोला कि अगर अस्पृश्य लोगों को हरिजन मतलब भगवान के बंदे बोला जाएगा तो ऊंची जाति के हिंदुओं को क्या शैतान बोला जाएगा? अगर सारे लोगों को हरिजन बोला जाएगा तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अस्पृश्य लोगों को एक प्यारा सा नाम दे देना उनकी समस्याओं को हल नहीं करेगा, बल्कि उसकी जगह अगर कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे तब दलितों का विकास होगा। असेंबली में कांग्रेस के लीडर ज्यादा होने के कारण उनके इस अमेंडमेंट को स्वीकारा नहीं जा सका और उठा के फेंक दिया गया। इसको देखकर अंबेडकर जी अपनी सीट से उठकर बोलने लगे कि अगर इस अमेंडमेंट को पारित कर लिया जाता है तो किसी का इसमें नुकसान नहीं होता, क्योंकि असेंबली में कांग्रेस के लीडरों की मात्रा ज्यादा है तो मुझे डर है कि आगे के कोई भी बिल पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम असेंबली की आगे की कार्यवाही छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें वर्किंग क्लास का चैंपियन भी कहा जा सकता है। सिर्फ दलितों और अस्पृश्य लोगों के लिए ही नहीं, अंबेडकर जी ने मजदूरों के लिए भी लड़ाइयां लड़ी।
इसके लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया। सितंबर 1938 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल पास करना चाहा। अंबेडकर जी ने ये कहकर इस बिल की आलोचना की कि ये सिर्फ व्यापारियों को ही फायदा पहुंचाएगा, मजदूरों को नहीं। इस वजह से अंबेडकर और खेर की मिनिस्ट्री में होम मिनिस्टर के एम मुंशी का वाद विवाद भी हुआ, पर कांग्रेस का बहुमत होने के कारण ये बिल पास कर दिया गया। 7 नवंबर 1938 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने एक दिन की स्ट्राइक रखी। बॉम्बे के सारे मजदूरों को इसमें हिस्सा लेने के लिए बोला। इसमें 80,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया, जिसका आयोजन जमुना दास मेहता कर रहे थे। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये स्ट्राइक रखी गई, जिसमें अंबेडकर और जमुना दास मेहता ने मिल के स्थानों का जायजा लिया जहां पर ये मजदूर काम करते थे। पर कुछ शरारती तत्वों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कुछ लोग घायल भी हुए। उनमें से एक पुलिस वाला भी था और कुछ दारोगा भी थे। इसको देखते हुए पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए। उसी शाम को जमुना दास मेहता ने फिर से एक मीटिंग रखी, जिसमें सारे मजदूरों को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी कि उन्होंने बहुत शांति से इस स्ट्राइक को समाप्त किया। इस सभा में अंबेडकर जी ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी पक्का वादा करे कि वो दलितों और मजदूरों का साथ देंगे, तो वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा शिक्षा के क्षेत्र में। इसके साथ ही कई आयोजन और आंदोलन के जरिए उन्होंने दलितों के लिए प्रखर आवाज उठाई। अब तक अंबेडकर दलितों और मजदूरों के प्रिय लीडर बन चुके थे। उनके लीडर होने की विशेषताएं उनकी स्पीच में साफ नजर आई थीं, जब उन्होंने 20 जुलाई 1942 को नागपुर में लोगों को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, सही के लिए लड़ने के लिए आपको मेरी सहमति की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस सहमति के लिए आपकी ज्यादा जरूरत है। आपने अपना प्यार और आशीर्वाद हमें दिया है, हमें आपसे किसी और तरह की सहमति चाहिए, और वो है साहस, एकता और दृढ़ता की। हम अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, जब तक हम अपने अधिकारों की लड़ाई जीत नहीं जाते। आप अपनी तरफ से कोशिश करने का वादा करिए और हम अपनी तरफ से लड़ने का वादा करते हैं। न्याय हमारे साथ होते हुए हमें नहीं लगता कि हम अपनी लड़ाई हार सकते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई पूरी तरह से आध्यात्मिक है, इसमें कुछ भी भौतिक या अनैतिक नहीं है। हमारा संघर्ष हमारी आजादी के लिए है। ये लड़ाई मानव अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए है, जिसको हिंदू समाज के द्वारा दबाया और विकृत किया गया है, और हमेशा दबाया और विकृत किया जाएगा अगर राजनैतिक संघर्षों में हिंदू समाज जीत गया तो। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा और सलाह भी दूंगा कि शिक्षित होइए, आयोजित होइए, और अगर वक्त पड़े तो आंदोलन भी कीजिए। खुद पर यकीन रखिए और आशा का साथ कभी मत छोड़िए। मैं सदैव ही आपके साथ हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमारे साथ हैं। इस तरह अंबेडकर जी ने एक सच्चे लीडर और लेजिस्लेटर की भूमिका बड़े ही साधारण पर दृढ़ तरीके से निभाई। ये सब जितना आसान दिखाई दे रहा है उतना आसान था नहीं, पर संघर्षों की आंच पर जलते हुए अंबेडकर जी ने अपना जीवन न्याय की भेंट चढ़ा दिया, जिसका फायदा अब हम लोग उठा रहे हैं। ये सब बस उनका और उनके अनुयायियों का ही किया गया प्रयास है, जो अब हम सींच रहे हैं। नई ऊंचाइयां। दूसरे विश्व युद्ध के प्रकोप से कांग्रेस पार्टी असमंजस में आ गई। नवंबर 1939 के पहले सप्ताह में ही कांग्रेस के हाई कमांड पर कांग्रेस के मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया और अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। स्टैफर्ड क्रिप्स के मिशन के असफल हो जाने के कारण सारी राजनैतिक पार्टी की सहमति से ये आंदोलन लॉन्च किया गया। गांधी जी और जिन्ना ने ही नहीं बल्कि अंबेडकर जी ने भी क्रिप्स के मिशन को अस्वीकार किया, हालांकि सबके अलग अलग कारण थे इस मिशन को ठुकराने के। अंबेडकर जी ने इसलिए इस मिशन को नहीं स्वीकारा क्योंकि ब्रिटिश इंडिया ने भारतीय मुस्लिम को अलग स्टेटस दे दिया था, पर दलित और शोषित समाज के हित के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए थे। अंबेडकर जी का 50वां जन्मदिन 14 अप्रैल 1942 को बहुत धूमधाम से मनाया गया।
शोषित और दलित समाज के लोगों ने ही नहीं बल्कि ऊंची जाति के हिंदू लीडरों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। 19 अप्रैल को इनके जन्मदिन का जश्न चौपाटी में भी मनाया गया, जिसमें M.R. जयकर अध्यक्ष थे। इस अवसर पर जयकर ने कहा कि वो अंबेडकर जी को बचपन से जानते हैं। दलित समाज से उठकर आना, इतनी पढ़ाई करना और समाज को जोड़ने के कार्य में कार्यरत रहना, ये सिर्फ अंबेडकर जी ही कर सकते हैं। अंबेडकर जी ने स्थिति, इतिहास और धर्म को जाना, समझा और गहन अध्ययन किया, तब जाकर वो इस निष्कर्ष पर आए हैं कि अच्छे पुरुषों ने कभी अस्पृश्यता को मिटाने की सही ढंग से कोशिश ही नहीं की। इसलिए उन्होंने कैंपेन बनाए और उच्च जाति के हिंदू द्वारा फैलाई गई अस्पृश्यता की प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की। सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और राजनैतिक स्थिति का भी सुधार किया। इस तरह से उन्होंने खुद को सच्चा देशभक्त साबित किया है। जून 1942 के तीसरे हफ्ते में ये अफवाह फैली कि वायसरॉय और भारत के गवर्नर जनरल अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी सदस्यों की सूची में अंबेडकर जी का भी नाम था। इस अफवाह को प्रमाणिकता तब मिली जब ये खबर पक्की हो गई और रामस्वामी अय्यर, मोहम्मद उस्मान, अंबेडकर, जेपी श्रीवास्तव और जोगिंदर सिंह का नाम सदस्यों के लिए चुना गया था। अंबेडकर का नाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल करना बहुत ही प्रशंसनीय था। यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी कहा कि इससे मजदूर तबके के लोगों का विकास अच्छे से हो पाएगा। ये पहली बार था जब किसी अस्पृश्य हिंदू का नाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिया गया था। इसके बाद ही अंबेडकर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस की सभा को संबोधित करने नागपुर चले गए थे। वहां जाकर उनके पास वायसरॉय का संदेश आया कि उन्हें एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर पोर्टफोलियो के लिए चुना गया है। बॉम्बे लौटने के बाद वो दिल्ली जाने के लिए जल्दी करने लगे। वायसरॉय का लेबर पोर्टफोलियो का पद उन्हें दिए जाने का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। डिप्रेस्ड क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक रिसेप्शन पार्टी में अंबेडकर जी ने कहा कि उन्हें कभी भी ऊंचाई पर जाने का लोभ नहीं है। जब उन्हें लगने लगेगा कि वो मजदूरों का विकास नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस पद से इस्तीफा दे देंगे। अगस्त 1942 में जब क्विट इंडिया आंदोलन की घोषणा हुई तो सितंबर 1942 में भारत की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए सेंट्रल असेंबली में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इसमें अंबेडकर जी ने ये कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि कांग्रेस पार्टी और गांधी जी द्वारा संचालित किया जा रहा है, वो अहिंसा का मूल तत्व भूलता जा रहा है। इसके बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और पूरे देश में तहलका मच गया। उधर गांधी जी ने भी आगा खां पैलेस में 21 दिन का व्रत शुरू कर दिया। पूरा देश सदमे में था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भारतीय सदस्यों के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी। पर अंबेडकर जी इस्तीफा नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि लेबर तबके की तरक्की के लिए उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होना जरूरी है। स्टैंडिंग लेबर कमेटी का पहले ही गठन हो चुका था। उसकी तीसरी सभा बॉम्बे गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट में हुई। इस मीटिंग में यह तय हुआ कि फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल यूनिट के जॉइंट लेबर कमेटी का गठन हो ताकि दूसरी विश्व युद्ध का प्रकोप इस पर ना पड़े और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का भी गठन हो। वो मजदूरों के लिए छत, खाना, पढ़ाई और जरूरत की सारी सामग्री का इंतजाम उनके मालिकों से कराना चाहते थे। अप्रैल 1944 में अंबेडकर जी ने एक बिल पास कराया जिसमें उन मजदूरों के हक और उनको छुट्टियों में भी वेतन दिए जाने की बात कही गई थी। उसके बाद ही गांधी जी को उनके स्वास्थ्य के चलते आगा खां पैलेस से रिहा कर दिया गया था। वो वहां से अपना उपचार कराने पंचगनी चले गए। राजगोपालाचारी द्वारा एक घोषणा कराई गई कि जिन्ना के लिए गांधी जी के पास कुछ ऑफर है, पर उसमें क्या है उसको नहीं प्रकट किया गया था। वीर सावरकर और साथ ही बहुत सारे भारतीय लीडर का मानना था कि ये उनके साथ धोखा हुआ है। हालांकि बाद में पता चल गया था कि इस संदेश में क्या है। अंबेडकर जी ने इस घटना को बहुत ही शांत तरीके से लिया और गांधी जी से पत्र के जरिए कहा कि हिंदू मुस्लिम के साथ साथ हिंदू और अस्पृश्यता के मसले को सुलझाना भी उतना ही जरूरी है, जिस पर गांधी जी ने उत्तर देते हुए कहा कि वो अंबेडकर जी की योग्यता से पूरी तरीके से वाकिफ हैं, वो उनके साथ काम करने के लिए बहुत इच्छुक हैं, पर उनके लिए ये मामला आस्था और धर्म का है।
और इसमें जो भी सुधार होगा वो हिंदू समाज के अंदर ही होगा। उन्होंने दलितों की समस्याओं का जड़ से समाधान निकालने का बहुत प्रयत्न किया। क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद सभी लीडर और पार्टी पुरजोर कोशिश में लग गई कि कैसे इस गतिरोध को हटाया जाए। इसके लिए भूला भाई देसाई और लियाकत अली खां में एक पैक्ट भी हुआ जिससे दोनों पार्टी एक साथ आ जाएं। लॉर्ड वेविल, जो उस समय भारत के वाइसरॉय थे, लंदन के लिए रवाना हो गए ताकि वो वहां इस पैक्ट के बारे में चर्चा कर सकें। इस समय अंबेडकर जी भी भारत के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। मई 6, 1945 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वार्षिक उत्सव में उन्होंने ये बात रखी कि लेजिस्लेचर में माइनॉरिटी समाज को ज्यादा तरजीह दी जाए और दूसरे हिंदुओं को थोड़े में ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अखंड भारत चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग से ये अपील की कि वो उनके प्लान को स्वीकार कर लें, क्योंकि ये उन्हें ज्यादा सुरक्षा देगा और उनके हिंदू प्रधानता के भय को भी कम करेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य नीची जाति के लोगों को बढ़ावा देना था। अंबेडकर जी के इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सबने बहुत आलोचना की। लॉर्ड वेविल ने भारत लौटने के बाद सारे कांग्रेस लीडर को जेल से छोड़ दिया और उनके शिमला में एक मीटिंग रखी। अंबेडकर जी ने इसमें भाग नहीं लिया तो वो सभा अंतरिम मिनिस्ट्री के गठन के प्रश्न पर ही रुक गई। कांग्रेस ने अपने मुस्लिम लीडर रखने की बात कही तो वहीं पर जिन्ना चाहते थे कि अंतरिम मिनिस्ट्री में मुस्लिम लीग से ही किसी को सदस्य बनाया जाए। विश्व की राजनीति में भी उठा पटक चल रही थी। उधर जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद सरेंडर कर दिया था, तो दूसरी तरफ हिटलर की डिफेंस सेना भी कम पड़ती जा रही थी। लॉर्ड वेविल फिर इंग्लैंड का दौरा करके वापस आए। इधर सारी राजनीतिक दल भी इलेक्शन के लिए जोर शोर से लग गए। कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंपेन क्विट इंडिया नारे से किया, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान या नहीं स्लोगन से किया, तो हिंदू महासभा ने आजादी और अखंडता से किया। अंबेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तो मानो गहरे संकट में थी, क्योंकि ना ही उनके पास पैसे थे और ना ही मशीनरी। उन्होंने पूना में एक मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने शोषित तबके के लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि राजनैतिक ताकत अब उन्हें लेनी होगी। ऐसी ही कई मीटिंग उन्होंने अहमदाबाद, अकोला, नागपुर और मद्रास में की। ऐसा करते हुए उन्होंने अपने काम को कभी भी अनदेखा नहीं किया। इन्होंने 7वें इंडियन नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का भी उद्घाटन किया। मार्च 15 को ब्रिटिश लेबर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि ये भारत का अधिकार है कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से आजाद हो सकें। क्रिप्स मार्च 24, 1946 को भारत पहुंचे और गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, जिन्ना, एसपी मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और साथ ही भोपाल के नवाब के साथ वार्ता की। अप्रैल 5, 1946 को ब्रिटिश के डेलीगेट्स ने अंबेडकर और मास्टर तारा सिंह के साथ एक मीटिंग भी की। ब्रिटिश डेलीगेट्स की मीटिंग में उन्होंने उनके समक्ष एक मेमोरेंडम रखा जिसमें भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट की सुरक्षा के लिए प्रावधान रखा जाए। उन्होंने अपना फैसला स्टेट पेपर के साथ सुनाया जिसमें सेंटर में अंतरिम गवर्नमेंट के बनाए जाने, फेडरेशन और इंडिया और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करने की बात कही। उस पर पेपर में शेड्यूल कास्ट की मांग के लिए कुछ भी नहीं था। स्टेट पेपर के रिलीज होते ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विघटन हो गया और अंबेडकर जी मई 1946 को बॉम्बे आ गए। शिक्षा शास्त्री बॉम्बे आने के बाद भीमराव जी शिक्षा के क्षेत्र में बिजी हो गए। पीपल एजुकेशन सोसाइटी, जिसका निर्माण भीम ने 8 जुलाई 1945 को किया था, उसी के अंतर्गत उन्होंने 20 जून 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। पर एजुकेशन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य गरीब और दलित तबके या फिर शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा प्रणाली और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करना था। इस नवीन स्थापित कॉलेज में अध्यापन कर्मचारियों की भर्ती के लिए अंबेडकर जी ने उनकी शिक्षा और योग्यता को वरीयता दी थी और ना ही उनकी जाति को, और इसीलिए उनके कॉलेज में ऊंची जाति के लोग ज्यादा थे। अंबेडकर जी चाहते थे कि उनके कॉलेज में अध्यापक और छात्र दोनों ही बुद्ध के द्वारा बताई गई बातों से प्रभावित हों, इसीलिए उन्होंने अपने कॉलेज का नाम सिद्धार्थ रखा, जो बुद्ध के बहुत सारे नामों में से एक है। उन्होंने हमें समानता दिखाई और ये समानता सिर्फ पुरुषों के बीच ही नहीं बल्कि पुरुष और स्त्री के बीच की भी थी।
पीपल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दूसरा शिक्षण संस्थान खोला गया, जो कि औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज के नाम से जाना गया। इसकी आधारशिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सितंबर 1951 में रखी। इस संस्थान का नाम ग्रीक राजा मिनंदर पर रखा गया, जिनको बुद्धिस्ट में मिलिंद भी कहा जाता है। अंबेडकर के अनुसार मिलिंद ने एक महान शोध छात्र की प्रसिद्धि हासिल की थी। बुद्ध से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने महल में भिक्षु और बुद्धिज्म के छात्र को बुलाया, पर उनके यहाँ कोई नहीं आया। उन्होंने अपने सेनापति से किसी भी भिक्षु को लाने के लिए कहा। उन्होंने नगासेन की मुलाकात राजा से कराई और राजा ने नगासेन से बुद्ध धर्म के बारे में जाना। राजा और भिक्षु के बीच में जो भी वार्ता हुई उसको मिलिंद पन्हा के नाम से किताब में सृजित कर दिया गया। मिलिंद और सिद्धार्थ दोनों ही कॉलेज अपनी ताकत और महत्ता में आगे बढ़ते गए। पीपल एजुकेशन सोसाइटी ने बाद में महाराष्ट्र में ही बहुत सारे कॉलेजों की स्थापना की। भीमराव जी इन सारे संस्थान में जाया करते थे और छात्रों और अध्यापकों को संबोधित किया करते थे। उनकी स्पीच ज्ञान और उनके छात्र जीवन के अनुभवों से भरी हुई थी। वो हमेशा कहा करते थे कि मनुष्य उम्र भर छात्र ही रहता है और कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। उनका कहना था कि हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, अपनी छोटी सी लाइब्रेरी बनानी चाहिए और हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने खुद तपते सूरज में खड़े होकर बिल्डिंग के बनने में निरीक्षण किया और तकनीकी मामलों में निर्देश भी दिए। जब भी वो वहां जाते थे तो कॉलेज में ही किसी छोटे से कमरे में ठहरा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि होटल में रुककर वो व्यर्थ में पैसा खर्च करेंगे। एक बहुत ही प्रेरणादायक वाक्य हुआ जब अंबेडकर जी और उनके कुछ मित्र औरंगाबाद गए और वहां पर उन्होंने एक्टर दिलीप कुमार और उनकी बहन को देखा। वो दोनों अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने आए थे। भीमराव जी के मित्र ने कहा कि चलो हम दिलीप जी से मिलते हैं, क्या पता वो हमारे कॉलेज के लिए कुछ डोनेशन ही दे दें। जिस पर भीमराव ने गुस्सा करते हुए कहा कि हम अपने कॉलेज के लिए किसी भी एक्टर, व्यापारी या इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा नहीं लेंगे, ना ही हम अपने संस्था का नाम उनके नाम पर रखेंगे। इसीलिए हमने अपने संस्थानों के नाम सिद्धार्थ और मिलिंद रखा है, ताकि हमारे अध्यापक और छात्र उनसे कुछ सीख पाएं, उनके जीवन से कुछ सीख ले पाएं। उसके बाद वो लोग दिलीप कुमार की प्रतिक्रिया को जानने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बिल्कुल मेरे पिता जैसे हैं, हम उनकी भावना की प्रशंसा करते हैं। इन कॉलेजों को बनाने में बहुत सारे लोगों ने भीमराव जी की मदद की। राय साहिब जीटी मिश्राम ने बिल्डिंग के निर्माण कार्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि वो एक इंजीनियर नहीं थे, पर वो अपने काम में सबसे आगे थे। वो दिन में 18 घंटे काम किया करते थे। थकान के चलते उन्हें एक दिन हार्ट अटैक आया और वो रस्सी से बंधे बंधे ही भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद उनकी जगह कर्मवीर गायकवाड़ ने ली। आर पवार भी उनके लिए बहुत काम के व्यक्ति साबित हुए। प्रोफेसर वीजी राव भी बहुत दयालु विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। डीजी जाधव ने एडमिनिस्ट्रेटर का पदभार संभाला। आरआर भोले ने अपने संस्थान का प्रसार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिनकी वजह से ये संस्थान इतना आगे बढ़ पाया था। मिलिंद कॉलेज के कस्टोडियन रुजानजी भरसखले भी संस्थान के वफादार कर्मचारी थे। हालांकि उनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी, पर फिर भी उनकी उपस्थिति कॉलेज के कोने कोने में पाई जाती थी। कॉलेज के कर्मचारी सर्वोत्तम क्षमता के व्यक्तियों में से थे। उन्होंने छात्रों के लिए पढ़ाई से लेकर बहुत सारे अवसर प्रदान किए। प्रोफेसर गंगाधर मराठी नाटक कर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा कर लेते थे। एनपी शर्मा ने स्पोर्ट्स और एनसीसी में अच्छा काम किया। उनके कार्यकाल में कॉलेज ने क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस जैसे इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट में कई खिताब हासिल किए। उनके द्वारा आयोजित एनसीसी कैंप ने उनके सुपीरियर से बहुत वाहवाही बटोरी। उनकी छात्रों के बीच प्रसिद्धि का ये राज था कि वो उनके साथ खेलते थे, उनको शिक्षित करते थे, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझते थे, उनके साथ खाते थे और यहाँ तक उनके साथ डांस भी किया करते थे। हमें एनआर तावड़े को भी याद करना चाहिए, जो उस समय मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, जिनकी सलाह से भीमराव जी अपने संस्थानों को बेहतर बनाते रहते थे।
उनकी सबसे बड़ी भूमिका दलितों के पहली जनरेशन के छात्र के रूप में रही। हम पहली जनरेशन की पढ़ाई की स्थिति पर भी रोशनी डालते हैं। इन संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र जो कि पहली जनरेशन के छात्र थे या फिर शेड्यूल कास्ट के छात्र थे, इस समाज के लोगों की प्रारंभिक शिक्षा की भी कोई प्रथा नहीं थी। हद से ज्यादा गरीबी और सामाजिक लाचारी, ये दो वजहें थीं जिसकी वजह से ये लोग अपनी शिक्षा का अधिकार भी नहीं प्राप्त कर पाते थे। ऐसी स्थिति में पढ़ाई की कल्पना भी कर पाना बहुत मुश्किल होता था। बहुत से छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती भी थी वो उनके लिए पर्याप्त नहीं होती थी। वो लोग अपने रहने ठहरने का भी बहुत मुश्किल से बंदोबस्त करते थे। पूरे दिन में बस एक बार खाना खाते थे। उनके पास लिखने के लिए पर्याप्त कॉपियां भी नहीं होती थी और उनका रेफरेंस बुक खरीदने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उन्हें क्लास में बताए गए नोट्स और लाइब्रेरी की किताबों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। पर इसके बाद भी उनमें गजब का साहस, इच्छा शक्ति और दृढ़ता थी। ये तो उनकी पढ़ाई करने तक की बात हुई। अब जानते हैं कि उनके पढ़ाई करने के बाद क्या हाल होता था। उनको उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती थी और इससे वो फिर निराश और हताश हो जाते थे। उन्हें फिर भूखा सोना पड़ता था। अगर उन्हें नौकरी मिलती भी थी तो दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती थी। उनका पूरा परिवार आर्थिक रूप से उन पर निर्भर हो जाता था। वो खुद अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते थे और उन पर उनके परिवार का भी बोझ आ जाता था। पर लोग उनकी स्थिति को नहीं समझ पाते थे। सबको ये लगता था कि उन लोगों को स्कॉलरशिप मिल गई मुफ्त में, उन्होंने पढ़ाई कर ली, नौकरियों में उनका कोटा है, तो उनका जीवन मजे से कट रहा होगा। पर वो स्थिति ऐसी थी कि लोगों को उन्हें समझना चाहिए था, उनकी सहायता करनी चाहिए थी और उनके लिए वो करना चाहिए था जो भी उनके बस में था। इन संस्थानों का योगदान छात्रों के परिणाम पर भी निर्भर करता था। जो छात्र इन संस्थानों में विषम परिस्थितियों में पढ़े थे वो बहुत हाई पोस्ट पर कार्यरत हुए और उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पर कुछ न कुछ हासिल किया। वो पूरे देश में कहीं डॉक्टर, कहीं इंजीनियर, कहीं साइंटिस्ट, कहीं प्रिंसिपल, कहीं शिक्षा शास्त्री के रूप में कार्यरत हुए। उनमें से एक छात्र ने बैंगलोर के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज में 3 PhD डिग्री के साथ बहुत हाई पोस्ट हासिल की। एक छात्र ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जज की भूमिका निभाई। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कैसे इन संस्थानों ने हमें महान व्यक्तियों की भेंट दी है। बाबा भीमराव जी ने शिक्षा के क्षेत्रों में अपनी सेवा देकर हमें अपना वरदान दिया है। भारतीय संविधान का निर्माण। उस दौरान हिंदू मुस्लिम के बीच में पूरे देश में, खासकर पंजाब और बंगाल प्रांत में, बहुत लड़ाइयां और दंगे होने लगे थे। इस कारण कांग्रेस लीडर को सांप्रदायिकता के आधार भारतीय संविधान का निर्माण। उस दौरान हिंदू मुस्लिम के बीच में पूरे देश में खासकर पंजाब और बंगाल प्रांत में बहुत लड़ाइयां और दंगे होने लगे थे। इस कारण कांग्रेस लीडर को सांप्रदायिकता के आधार पर पार्टीशन के लिए हां बोलनी पड़ी। अप्रैल 1947 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली का तीसरा सेशन और उस मीटिंग में एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट और फंडामेंटल राइट्स कमेटी को अडॉप्ट कर लिया गया। इस सेशन के दौरान 29 अप्रैल 1947 को कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। इस रेजोल्यूशन को पास कराने में सरदार पटेल का बहुत बड़ा हाथ था। लॉर्ड वेवल भारत की उथल पुथल वाली स्थिति को संभालने में असमर्थ थे, इसलिए उनको रिप्लेस करके लॉर्ड लुइस माउंटबेटन की नियुक्ति कर दी गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट से विचार विमर्श करके माउंटबेटन 3 जून 1947 को इंडिया आए और उन्होंने अपने प्लान की घोषणा की जिसमें भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन की बात कही गई थी। जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी उनको दोनों में से कोई भी एक देश चुनने का मौका दे दिया गया था। स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि गांधी जी को हमेशा से सांप्रदायिकता के अनुसार देश के विभाजन के खिलाफ थे। उनको भी इस विभाजन के लिए हां बोलनी पड़ी और ये सिर्फ वो ही जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दिल को मनाया है। इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया गया था और कंस्टिट्यूएंट असेंबली को ही देश की पहली पार्लियामेंट घोषित कर दिया गया था। अंबेडकर जी मूलतः बंगाल प्रोविंशियल असेंबली द्वारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली में चुने गए थे और बंगाल हिंदू मुस्लिम मसले के कारण अलग हो रहा था।
बॉम्बे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में M.R. जयकर ने इस्तीफा दे दिया और वहां का पद खाली था, इसलिए उनको अब वहां से निर्वाचित होना था। जुलाई 1947 के चौथे हफ्ते में आजाद भारत की पहली कैबिनेट के सदस्यों के नाम की घोषणा होनी थी। विचार विमर्श के बाद सरदार पटेल, S.K. पाटिल, जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर जी से एक कमरे में मुलाकात की और उनसे कैबिनेट के कानून मंत्री का पद संभालने के लिए पूछा। नेहरू जी ने फिर गांधी जी से भंगी कॉलोनी नई दिल्ली में मिलकर उनकी सहमति मांगी। नेहरू श्याम प्रसाद मुखर्जी को भी कैबिनेट में शामिल कराना चाहते थे, जो कि हिंदू महासभा के सुप्रसिद्ध लीडर थे। आजाद भारत के लिए मुखर्जी और अंबेडकर दोनों अपने विवाद भुला के भारत का महान इतिहास लिखने को राजी हो गए। आखिरकार भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने उन नामों की घोषणा की जो भारत का संविधान लिखेंगे। पहला विभाजन, दूसरा भारत के लोगों का पाकिस्तान जाना, तीसरा पाकिस्तान जो कि लोगों को अपने झूठे वादों से लुभाकर अपने साथ ले जाना और फिर उनकी सुरक्षा तक ना कर पाना, इन सारी बातों ने अंबेडकर को बहुत दुख पहुंचाया। उन्होंने पाकिस्तान को खत लिखकर उनकी निंदा की और कहा कि पाकिस्तान नीचे वर्ग के हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है और उन्हें इस्लाम में तब्दील होने के लिए दबाव डाल रहा है, और यही हाल था हैदराबाद का भी। उन्होंने तब के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को पाकिस्तान से हिंदुओं को वापस लाने की मांग भी की। ये बात तो सभी को पता है कि भारत के नए संविधान में उनका कितना बड़ा हाथ था। अंबेडकर जी ने अब खुद को संविधान बनाने के कार्य में गले तक डुबा लिया था। खुद की सेहत खराब होती जा रही थी, पर फिर भी उन्होंने अकेले ही इस काम में अपनी जान झोंक दी थी। अंबेडकर जी ही भारत के संविधान के आर्किटेक्ट थे, इसका वर्णन कृष्णमाचारी ने बहुत ही खूबसूरती से किया। उन्होंने कहा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा नॉमिनेटेड 7 सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई और अभी तक उनका पदभार किसी ने नहीं संभाला। एक ज्यादा समय अमेरिका में रहते हैं और उनकी जगह कोई नहीं आया। तीसरे अपना ज्यादा ध्यान स्टेट के कामों में लगाते हैं और बाकी ज्यादातर दिल्ली से बाहर ही रहते हैं। आखिरकार संविधान के आलेखन का सारा भार अंबेडकर जी पर आ गया और कृष्णमाचारी ने आगे कहा कि हमें अंबेडकर जी का ऋणी होना चाहिए। उन्होंने अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से किया है। संविधान का ड्राफ्ट फरवरी 1948 के अंत में खत्म हो गया था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा पास किए गए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे यूनिक फीचर थे। पहला कि पूरे विश्व में ये पहला लिखित संविधान था। दूसरा ये कि व्यापक होने के साथ साथ इसमें शब्दों का चुनाव बहुत ही ध्यान पूर्वक किया गया था। ये संविधान लचीला पर दृढ़ भी था। आखिरी इसमें समय के साथ बदलाव भी किए जा सकते थे। संविधान बनाने के बाद वो इतना थक गए थे और उनकी सेहत में भी गिरावट आ गई थी, इसलिए वो बॉम्बे आ गए जहां पर उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान दिया। उन्होंने फिर डॉक्टर सविता कबीर से दोबारा शादी की। नई दिल्ली में सिविल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये विवाह संपन्न हुआ। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी रीडिंग पर अंबेडकर जी ने आजाद भारत के लोगों को स्पीच दी। उसमें उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 में हम लोग विरोधाभास में कदम रखने जा रहे हैं। एक तरफ तो राजनीति में तो हम लोग समान हैं, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत असमानताएं हैं। राजनीति में वन मैन वन वोट या वन मैन वन वैल्यू है, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में इस प्रिंसिपल का खंडन होता है। हम कब तक इस विरोधाभास से भरे जीवन को जीते रहेंगे? हम लोगों को इस विरोधाभास को खत्म करना होगा, नहीं तो ये भारत के लोकतंत्र को खत्म कर देगा। अंबेडकर जी का ज्ञान, चाहे वो इतिहास हो या एंथ्रोपोलॉजी हो या भारत की कानूनी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो, इन सब चीजों ने अंबेडकर जी को संविधान बनाने में बहुत सहायता की। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों और प्रेस ने अंबेडकर जी की बहुत सराहना की और उन्हें मॉडर्न मनु के नाम से भी नवाजा। एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने न केवल दलितों के लिए वरन हिंदू महिलाओं के अधिकारों पर भी काम किया। इसके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल भी पेश किया। भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग के साथ साथ
अंबेडकर जी ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हिंदू कोड बिल भी अक्टूबर 1948 को पेश किया। ये बिल मूलतः 1946 को प्रस्तावित किया गया था। भारत के कानून मंत्री होने के कारण अंबेडकर जी ने इसे खुद पूरा करने की इच्छा जताई। बी एन राव की देखरेख में इन्होंने इस बिल की ड्राफ्टिंग पूरी की। इन्होंने इस बिल में बहुत सारे बदलाव किए और भारत के इतिहास में पहली बार हिंदू महिलाओं को जमीन की उत्तराधिकारी होने का अधिकार दिया। जहां कुछ लोगों ने इसका खुले दिल से स्वागत किया, वहीं पर कुछ लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बिल में हिंदुओं को ये अधिकार है कि वो किसी भी हिंदू धर्म के लोग को गोद ले सकते हैं या फिर अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी भी मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल को निर्धारित करने का मुख्य उद्देश्य हिंदू लॉ को और बेहतर बनाना था। उन्होंने हिंदू शास्त्र और मानव स्मृति की कुछ पंक्ति भी सुनाई। उसी शाम उनको एक सुनहरा कास्केट दिया गया जिसमें भारत के संविधान की कॉपी थी। इस अवसर में भी उन्होंने स्पीच दी और कहा कि जब उन्हें कंस्टिट्यूएंट असेंबली का सदस्य बनाया गया था तब उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी जिसमें उन्हें भारत के संविधान की रचना करनी होगी। उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो भारत के कल्याण और समृद्धि के बारे में सोचें। उनके 60वें जन्मदिन जो कि 14 अप्रैल 1950 को था बहुत ही धूमधाम से पूरे भारत में मनाया गया। इस अवसर पर एमसी चागला ने पूरे भारत के निवासियों से कहा कि अंबेडकर जी का नाम सिर्फ गरीबों और दलितों के विकास के लिए ही नहीं अपितु पूरे भारत के सुख और समृद्धि के लिए जाना जाना चाहिए। इसी दौरान अंबेडकर जी ने हिंदू कोड बिल को फिर से ड्राफ्ट किया। नवंबर 1950 में उन्होंने पार्लियामेंट के सदस्यों को एक बुकलेट बांटी जिसमें हिंदू कोड बिल को क्यों बदला गया, उसका महत्व, उसकी प्रकृति के बारे में बताया था। कुछ दिनों तक इस बिल को रोक दिया गया, फिर 5 फरवरी 1951 को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। इस बिल पर वाद विवाद 3 दिनों तक चला। वहां पर भी कुछ मंत्रियों ने इसे सहमति दी तो कुछ ने ऐतराज जताया। मई 1951 को फिर से पार्लियामेंट के सामने इस बिल को पेश किया गया और उसके साथ 1.5 घंटे की स्पीच दी जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट के सदस्यों के संदेह को बखूबी समझकर दूर किया। उनकी बहुत सारे सदस्यों से बहस भी हुई। उनके पास जितना भी खाली समय होता था वो पीपल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत बहुत सारे शैक्षिक संस्थाएं खोला करते थे। उनकी इतनी व्यस्तता के कारण उनकी सेहत दिन ब दिन घटती जा रही थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर बताया कि उनकी तबीयत खराब है तो हिंदू कोड बिल पर ध्यान देकर उसको 16 अगस्त 1951 तक पास करा दें, क्योंकि उन्होंने इस बिल पर बहुत मेहनत और खून पसीना बहाया है। जिसका उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि वो इस बिल को इतनी महत्ता ना दें क्योंकि इस बिल पर पार्लियामेंट के अंदर बाहर दोनों इतना बवाल हो रहा है, इसलिए वो इसे अभी नहीं पास करा सकते और इसको सितंबर 1951 तक स्थगित करने के लिए कहा। नेहरू ने अपने वादे पर कायम होते हुए कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी को इस बिल को पास कराने के लिए कहा, पर कांग्रेस के बहुत सारे एमपी ने इस कदम का विरोध किया और इस बिल के एक क्लॉज को बिल में शामिल करने के लिए कहा जो मैरिज और डाइवोर्स के लिए था। इस बिल के जो दूसरे क्लॉजेस थे उसको भविष्य में पास कराने के लिए छोड़ दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था कि ये बिल हिंदू समाज के मूल तत्व को ही मिटा देगा और अगर ये बिल पास हुआ तो सभी धर्म के सदस्य इसका अनुसरण करेंगे। सरदार बीएस मान और हुकुम सिंह दोनों इस बिल का विरोध कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि ये बिल सिख धर्म को भी हिंदू समाज में शामिल कर लेगा जबकि बौद्ध और जैन धर्म इसमें नहीं आते। एनवी गडगिल और एचएन कुंजू ने इस बिल का समर्थन किया। सारे सदस्यों की बहस इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई थी कि पंडित नेहरू को सबको शांत कराना पड़ा और उन्होंने ये सुझाव दिया कि इस बिल के मैरिज और डाइवोर्स क्लॉज को एक अलग से बिल बनाकर पास कराया जाए। सितंबर 1951 को अंबेडकर ने खुद ये घोषणा करी कि मैरिज और डाइवोर्स बिल को स्वतः पूर्ण माना जाए और बाकी के बिल को बाद में समय दिया जाए क्योंकि अभी पार्लियामेंट का समय खत्म हो रहा है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने सदस्यों को इस बिल के पास कराने की सहमति देने के लिए नहीं बोला और इस तरह इस पर विवाद चलता रहा।
अंबेडकर जी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त बिल से असहमत नहीं थे जब वो कैबिनेट में थे, पर कैबिनेट छोड़ने के बाद से ही वो इसका विरोध करने लगे। अंबेडकर जी ने फिर से ध्यान दिलाते हुए कहा कि जमीनी लॉ के अंतर्गत सिखों को हिंदू समाज में ही माना गया है। उनके तीखे स्वरों ने कुछ सदस्यों को इस बिल का विरोध करने के लिए और उकसा दिया, और कुछ ने तो पंडित जी को भी इसमें खींच लिया। आखिर में पंडित जी को अंबेडकर जी से इस बिल को छोड़ देने के लिए कहा। सितंबर 25 को इस पर निष्कर्ष निकला कि हिंदू कोड बिल के क्लॉज 4 को पार्लियामेंट पास कर देगी और पार्ट 2 जो कि मैरिज एक्ट था उसको नहीं स्वीकार किया जाएगा। अंबेडकर जी इस पूरे विवाद से बहुत आहत हुए और उन्होंने 27 सितंबर 1951 को अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया। पंडित जी ने भारी मन से उनका इस्तीफा स्वीकार किया और उस सेशन के आखिरी दिन उन्होंने अंबेडकर जी से उनकी स्पीच की कॉपी देने को कहा जो वो इस अवसर पर सुनाने वाले थे। 11 अक्टूबर को जब अंबेडकर अपना बकाया काम करने के लिए खड़े हुए तो डेप्यूटी स्पीकर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वो नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट की कॉपी स्पीकर को नहीं दी है। इस बात पर अंबेडकर जी को गुस्सा आ गया और वो बिना अपना स्टेटमेंट दिए पार्लियामेंट छोड़कर चले गए। अंबेडकर जी का धर्मांतरण। अंबेडकर जी 1935 से ही अपना और अपने अनुयायियों का धर्मांतरण कराना चाहते थे। हालांकि वो कोई भी धर्म अपनाने से पहले बहुत सावधानी पूर्वक गहन अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कई धार्मिक किताबें पढ़ी, बहुत ज्यादा रिसर्च किया, फिर जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। मई 24, 1956 में उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा की जो कि अक्टूबर 1956 को होना था। इस समय के बीच उन्होंने अपना समय बुद्ध एंड इट्स धम्मा लिखने में लगा दिया। अपने दोस्तों से विचार विमर्श करके उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया जहां पर बुद्ध का बहुत बड़ा इतिहास था। धर्मांतरण करने के लिए कुशीनगर के भिक्षु चंद्रमणि को बुलाया गया जो उस समय गोरखपुर में थे। उस 14 अक्टूबर को दशहरा भी था। बहुत सारे दलित समाज के लोग वहां पर अलग अलग जगह से आते जा रहे थे। ये अनुष्ठान या समारोह श्रद्धानंद पीठ के खुले मैदान में होना था। धर्मांतरण की एक रात पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो बौद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं। उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने इसलिए ये धर्म चुना क्योंकि ये भारत की मिट्टी में उपजा है और समय के साथ ये भारत के कल्चर का एक अटूट हिस्सा बन गया है। 14 अक्टूबर 1956 की सुबह ही दीक्षा भूमि पर हजारों लोगों का जमावड़ा लगने लगा। अंबेडकर जी सफेद सिल्क धोती और कोट में वहां पर आए। भिक्षु चंद्रमणि और 4 भिक्षु वहां पर इस समारोह की शुरुआत करने लगे। चंद्रमणि द्वारा बताए गए 5 वचन अंबेडकर और उनकी पत्नी ने लिया, वो कुछ इस प्रकार थे: किसी को मारना नहीं, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अनैतिक संभोग नहीं करना और शराब नहीं पीना। आखिर में उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति पर सफेद कमल का फूल चढ़ाया और उनके सामने 3 नतमस्तक हुए। उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और 22 वचन लिए जो उन्होंने खुद बनाए थे। उन्होंने फिर कहा कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं और ये बोलते समय उनकी आवाज थरथराने लगी और उनकी आंखें नम हो गईं। ये उनके लिए बहुत दुखमय समय रहा होगा जब उन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को छोड़ा। उन्होंने भीड़ में से उन लोगों को खड़े होने के लिए बोला जो बौद्ध धर्म अपनाना चाहते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा, पर पूरी भीड़ वहां पर खड़ी हो गई धर्म परिवर्तन करने के लिए। उन्होंने फिर 3 बनवाए, 5 दिलवाए और 22 करवाई। बहुत सारे अखबारों जैसे इंडियन एक्सप्रेस, बॉम्बे और हितवाड़ा नागपुर ने अंबेडकर जी की बहुत प्रशंसा की कि उन्होंने भारत की मिट्टी का ही धर्म अपनाया। 16 अक्टूबर 1956 को इन्होंने अपनी देखरेख में सामाजिक धर्म परिवर्तन चंद्रपुर में भी करवाया। बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े ने इनसे आग्रह किया था कि वो ऐसा करें। वो फिर वहां से नई दिल्ली आ गए। अपने दोस्तों और अनुयायियों के कहने पर उन्होंने 4th वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की कॉन्फ्रेंस काठमांडू नेपाल में भाग लिया। उस दिन नेपाल की सरकार ने नेशनल हॉलिडे घोषित कर छुट्टी दी। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन खुद नेपाल नरेश महेंद्र ने लिया।
उन्होंने वहां पर स्पीच देते हुए कहा कि बौद्ध धर्म सारे धर्मों में सर्वश्रेष्ठ है और बहुत ही महान सामाजिक व्यवस्था है। एक सभा में उन्होंने स्पीच दी कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स दोनों ही एक तरह के थे। दोनों के विचारों में बहुत समानताएं थी। दोनों ही दुख, दर्द, पीड़ा, शोषण को मिटाना चाहते थे। बस बुद्धिज्म और कम्युनिज्म में इतनी ही असमानता है कि कम्युनिज्म अपने उद्देश्यों को पाने के लिए हिंसा का हाथ थामता है, तो वहीं बुद्धिज्म अपने उद्देश्यों को पाने के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलता है। उनको लगता था कि बौद्ध धर्म कुछ नहीं होता अगर वो नैतिकता नहीं सिखाता। ये बात सत्य है कि बौद्ध धर्म में कोई भगवान नहीं होता, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान की पदवी नैतिकता ने ले ली है। काठमांडू से लौटकर सारनाथ जाते वक्त बीच में अंबेडकर जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और काशी विद्यापीठ में स्पीच देते हुए बौद्ध धर्म के सार को समझाया, लोगों तक बौद्ध धर्म का उद्देश्य बतलाया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में इंसान खुद के अंदर छुपे सामर्थ्य और क्षमता को पहचानता है। इसमें हम अपने मन मस्तिष्क को सिखाते हैं कि उसे हमेशा नैतिकता के रास्ते पर चलना है। इंसान बाहरी शक्तियों से बहुत चल लिया, अब समय है कि वो अपने खुद के बनाए रास्ते पर चले। बौद्ध धर्म में मनुष्य अपने कर्मों को खुद संभालता है, खुद उसे जज करता है और खुद ही उसे सुधारता है। अंबेडकर जी का मानना था कि बौद्ध धर्म हमें समानता सिखाता है। जैसे बहुत सारी छोटी छोटी नदी आकर समुद्र में मिल जाती है और वहां जाकर एक हो जाती है, उसको अलग अलग पहचान पाना नामुमकिन हो जाता है, वैसे ही अलग अलग जाति के लोग बौद्ध धर्म अपनाकर एक हो जाते हैं। फिर कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है और कौन शूद्र, इसका पता लगा पाना असंभव हो जाता है। उनकी नजर में सब एक हो जाते हैं। बौद्ध धर्म में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, सब एक समान भिक्षु हो जाते हैं। अंबेडकर जी के आखिरी दिन। नेपाल से लौटने के बाद अंबेडकर जी की सेहत तेजी से लगातार गिरती गई। वो खाते बहुत कम थे और हमेशा थके से रहते थे। ना वो और ना ही उनकी पत्नी, जो कि खुद एक डॉक्टर थीं, अंदाजा लगा पाएं कि अंबेडकर जी के दिन करीब आ गए थे। उन दोनों ने 14 दिसंबर 1956 को बॉम्बे छोड़ने का प्लान बनाया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 6 दिसंबर 1956 की सुबह जब उनकी पत्नी उन्हें उठाने गई तो पता चला कि अंबेडकर जी नींद में ही स्वर्ग से धार गए थे। 26 अलीपुर रोड, दिल्ली, जहां पर अंबेडकर जी रहा करते थे, उनकी मृत्यु की खबर सुनकर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। पंडित नेहरू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्री जगजीवन राम और काउंसिल स्टेट के डेप्यूटी चेयरमैन उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके निवास स्थान से ही उनकी शव यात्रा निकली और दिल्ली एयरपोर्ट तक आते आते रात के 9 बज गए थे। रास्ते में सब लाइन से खड़े होकर उनका नम आंखों से अभिवादन कर रहे थे। जो प्लेन उनको दिल्ली से ला रहा था वो रात के 9:30 पर वहां से निकला और सुबह 3 बजे बॉम्बे के सांता क्रूज पहुंचा। उनका शव राजगृह लाया गया, जो उनका असली निवास स्थान था। इस खबर को सुनते ही बॉम्बे की सारी मिलें, फैक्ट्रियां, रेलवे वर्कशॉप, डॉक्स, सब ने अपना काम बंद कर दिया। यहां तक नागपुर और शोलापुर में भी सारा काम रोक दिया गया था। अंबेडकर जी का पार्थिव शरीर ट्रक में दादर हिंदू शवदाह लाया गया। सैकड़ों पुलिस कर्मी और बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स की वहां पर पोस्टिंग की गई थी ताकि 5 लाख की भीड़ को काबू में किया जा सके। अंबेडकर की चिता को उनके बेटे यशवंत ने शाम के 7:30 बजे बौद्ध धर्म के विधि विधान के साथ अग्नि दी। आचार्य पी के अत्रे, जो बहुत ही मशहूर प्लेराइट और फिल्म मेकर थे, उन्होंने बहुत ही मार्मिक स्पीच दी। सभी पार्टी के लीडरों ने उनको श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में कहा कि आने वाली पीढ़ी उन्हें गरीब और शोषित समाज के विद्रोही के नाम से जानेगी। इसके आगे पंडित जी ने कहा कि अंबेडकर जी ने भारत सरकार के लिए बहुत ही निर्माण संबंधी कार्य किया है। इन्होंने पार्लियामेंट के कार्य को 1 दिन के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। बॉम्बे की राज्य सरकार ने अंबेडकर जी के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया।
और जहां पर अंबेडकर जी ने दीक्षा ली थी वहां की 11 एकड़ जमीन को बौद्ध समाज को दे दिया। उनका जीवन यहीं पर समाप्त हो गया, जो दुखों, संघर्षों, खुशी और मातृभूमि के प्रेम से सराबोर थी। अंबेडकर जी के अनेक रूप थे। बहुत ही अनुशासित व्यक्ति होने के साथ साथ वो बहुत ही निडर और साहसी थे। दलित और अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बहुत निरादर और संघर्षों का सामना करना पड़ा, पर वो कुछ भी नहीं बोलते थे। शायद उनकी परवरिश इतनी अच्छी थी कि वो बहुत विनम्र थे। उनमें इतनी अदम्य इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने विश्व के सर्वोत्तम शैक्षिक संस्थानों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी से अपनी तालीम हासिल की। उन्होंने अपने जीवन के कई साल पश्चिम सभ्यता में बिताए, पर फिर भी वो अपनी मातृभूमि से ताउम्र जुड़े रहे। उनकी लेखनी, उनकी स्पीच विविधता से परिपूर्ण थी। उनके आजाद भारत का सपना, उनके विचार, उनके कार्य बस एक बात का ही इशारा करते थे कि वो बहुत बड़े देशभक्त थे। उन्होंने कभी भी गलत रास्ते पर चलना नहीं सिखाया और ना ही वो खुद चले थे। उनके दिल में एक विद्रोह था शोषित समाज के हक के लिए, पर वो कभी भी उनकी लेखनी और स्पीच में जाहिर नहीं हुआ। विद्रोही होने के साथ साथ वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। उन्हें ये ज्ञात था कि उन्होंने जो भी अपने जीवन में हासिल किया है वो कितने संघर्षों के बाद उन्हें मिला था, इसलिए कभी कभी वो असहिष्णु भी नजर आते थे। उन्हें दोगलापन और चापलूसी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। कई बार उन्हें नीचा दिखाया गया, उनका निरादर भी किया गया, पर फिर भी वो खुद को किसी से कम नहीं समझते थे। बाबा साहेब हमेशा समय से आगे सोचते थे और समय से आगे काम भी करते थे। वो अपने काम में कभी कभी अधीर और बेचैन हो जाते थे, क्योंकि उन्हें पता रहता था कि उनके आगे जो कार्य है वो कितना बड़ा और चुनौतीपूर्ण है और उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। पंडित नेहरू और बाबा साहेब दोनों ही अकेले रास्ते बनाकर चलने वाले व्यक्ति थे। दोनों के ही पास अपने परिवार के लिए बहुत थोड़ा वक्त था, क्योंकि वो अपना सारा समय देश के नाम पर न्योछावर कर दिया करते थे। अंबेडकर जी ने आगे की आने वाली पीढ़ियों पर जो उपकार किया है उसका कर्ज शायद ही कोई उतार पाएगा, जिसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन की प्रमुख पहलुओं और विचारों पर। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि अंबेडकर जी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई कितने संघर्षों से की। भारत से बाहर जाकर भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। वो बताते थे कि गरीबी के चलते वो बस एक कपड़े में स्कूल जाया करते थे। वहां पर उन्हें पीने का पानी तक नहीं मिलता था। अगर वो प्यासे भी होते थे तो उन्हें पानी का नल छूने की इजाजत नहीं थी। एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में भी उन्हें अस्पृश्यता का सामना ही करना पड़ा। उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई क्योंकि वो एक अस्पृश्य समाज के थे। हालांकि वो अपनी दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से संस्कृत के स्कॉलर बने। उनके व्यक्तित्व का दूसरा रूप जिम्मेदारी और निष्ठा से भरा था। वो हमेशा से ही अस्पृश्यता के अभिशाप से हर व्यक्ति को बचाना चाहते थे और इस कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। उन्होंने खुद निरादर और बेइज्जती का सामना किया, इसलिए उन्होंने बहुत सारे लुभावने प्रस्तावों को ठुकरा दिया था और अपना सारा समय गरीब और शोषित वर्ग के लोगों को मानसिक, सामाजिक और राजनैतिक अधिकार दिलाने में लगा दिया था। अंबेडकर जी का मानना था कि जब दलितों की उन्नति होगी तभी इस देश की भी उन्नति होगी। अस्पृश्य समाज वर्णाश्रम का खात्मा करना चाहता था और ऐसे सिद्धांतों का आह्वान करना चाहता था जिससे उन्हें जन्म से नहीं अपितु कार्य से जाना जाए। अस्पृश्य लोग अंबेडकर जी पर आंखें मूंद कर विश्वास करते थे, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर जी में उगता हुआ सूरज देखा था और उन्हें ऐसा लगता था कि उनके अंधकार भरे जीवन में बस वही सवेरा ला सकते हैं। उनकी लिखावट और उनकी स्पीच उनके तर्कवादी होने का सूक्ष्म प्रमाण है। जब तक कि उन्हें कारण और तर्क नहीं दिखाई देता तब तक उन्हें संतुष्ट कर पाना मुश्किल या नामुमकिन था। उन्हें अंधविश्वास, रस्में और रिवाज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उनके नेचर या फिर उनकी ट्रेनिंग की वजह से उन्हें असंक्षिप्त और अस्पष्ट होने से नफरत थी। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे।
इसीलिए उनकी कुछ स्पीचों या स्टेटमेंट में बोले जाने वाले शब्दों से हमारी संवेदनाएं आहत हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में बातें करते थे, सच्चाई का साथ देते थे, फिर चाहे अगले को वो बात बुरी ही क्यों ना लग जाए। एक और खासियत उनके अंदर मौजूद थी और वो था उनका देश प्रेम और समर्पण। ऐसा देखा गया कि उनके सामाजिक और राजनैतिक कार्यों में कभी भी अंबेडकर जी ने देश की भलाई के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया है। उनके दिल में हमेशा ही देश की उन्नति और विकास की ही बातें थी, इसके विरुद्ध वो कभी भी नहीं गए। उनका सर्वोपरि कर्म और धर्म देश को तरक्की के रास्ते पर लाना था। अस्पृश्यता, गरीबी, लाचारी को दूर करके वो देश को अन्य देशों के बराबर लाना चाहते थे। उसे इस काबिल बनाना चाहते थे जिससे देश पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहलाए। उस पर कोई भी आंख उठाने से पहले दो बार सोचे। अपना समय, अपनी सेहत तथा अपना दिमाग, सब कुछ अंबेडकर जी ने देश के नाम कर दिया। इसके लिए उनके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए दो क्षण भी फुर्सत के नहीं थे। आज हमारे पास जो भी संविधान है वो बस अंबेडकर जी की देशभक्ति और उनके देश प्रेम की निशानी है। उनकी स्पीच और उनके द्वारा लिखी गई किताबें उनके देश प्रेम का ही प्रतीक हैं। वो हमेशा से ही जाति विरोधी थे, इसीलिए नहीं कि वो एक दलित परिवार में पैदा हुए थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि जातिवाद ही देश को तोड़ने का कारण बनेगा। उनका मानना था कि आप जातिवाद की आधारशिला पर कोई भी नींव नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमेशा डगमग होगी और एक दिन आपकी इस आधारशिला पर बनाई हुई बिल्डिंग जरूर ही ढह जाएगी। बल्कि अगर हम इस देश की आधारशिला योग्यता और क्षमता के ऊपर रखें तो जरूर ही वो अटूट होगी और लंबे समय तक चलेगी। उनका कहना था कि समाज में फैले शोषण और दुख का एक कारण जातिवाद भी है। ऐसे हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि हम दो कदम पीछे और अंधकार की ओर अग्रसर होते जाएंगे। जातिवाद सदा से ही अभिशाप था और धीरे धीरे करके इसने अपने समंदर में बहुत कुछ निगल लिया। अंबेडकर जी वीर पूजा के विरुद्ध थे, ना तो वो खुद करते थे और ना ही अपने अनुयायियों से कहते थे कि वो करें। उसका कारण ये था कि जब लीडर अपनी जनता का विश्वास खो देते हैं और उनका कोई भी लीडर ना होने पर वीर पूजा उन्हें लाचार बना देती है। उनका कहना था कि कठिनाइयों के समय पर खुद पर निर्भर रहने के बजाय अपने लीडर का मुंह देखते हैं कि वो आए और हमें दुखों से दूर करे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी कठिनाइयों और दुखों को खुद से लड़ना होगा। कोई और आकर हमारी सहायता क्यों करेगा जब तक कि हम लोग खुद काबिल हैं। हमें खुद की सहायता खुद ही करनी होगी। वो अपने अनुयायियों से कहते थे कि मैं चाहता हूं आप लोग सिर्फ मुझ पर निर्भर ना रहें, अपना खुद रास्ता बनाएं और खुद उन रास्तों पर चलिए। व्यक्ति को महान बनने के लिए कई त्याग करने पड़ते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति का सामना भी करना पड़ता है जब लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, अब इसके आगे और क्या। निरादर, संघर्ष और ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो आपको अंदर तक तोड़ देती हैं। और ऐसी ही सैकड़ों संघर्षों का सामना बाबा साहेब ने किया, पर फिर भी सकारात्मकता, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति को बनाए रखा, तब जाकर वो एक महान व्यक्ति बन पाए। हालांकि उन्हें कभी नहीं लगा कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, पर ये तो कोई तीसरा व्यक्ति ही बता सकता है जो दूर से देख रहा हो। जन्म से पहले ही अंबेडकर जी के माता पिता को ये भविष्यवाणी हो गई थी कि उनका पुत्र भारत का नया इतिहास लिखेगा, और ये सत्य भी साबित हुआ। ता उम्र अपने उद्देश्यों और उसूलों पर खड़े रहना ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएगा, खासकर तब जब विषम परिस्थितियों की बात हो। किसी के आगे ना झुकना, शोषित समाज के लिए आवाज उठाना, लोगों को अपनी लड़ाइयों को लड़ने के लिए प्रेरित करना, अगर ये सब अंबेडकर जी को महान नहीं बनाता तो और क्या बनाएगा। उनके कार्यों के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न का 1990 में पुरस्कार भी दिया गया। अंबेडकर जी ने चट्टानों को खोदकर उनके पीछे आने वाले लोगों के लिए रास्ता आसान बनाया है। एक पुत्र यशवंत को छोड़कर उनके सभी पुत्र और पुत्री की मृत्यु हो गई थी, और ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मनोबल को नहीं टूटने दिया।
जहां और भी उन्हीं के साथ ही अपना अपना जीवन सुखमय बिता रहे थे, वहीं पर बाबा साहेब संघर्षों में जीकर अपना नाम इतिहास के हाथ पर गुदवा रहे थे। अंत में हम उनकी जीवनी दो पंक्तियों में खत्म करते हैं और वो इस प्रकार हैं कि तिनका तिनका जोड़कर उम्मीद जगाएंगे और आने वाली पीढ़ी का हम घोंसला बनाएंगे।